हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो इस चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है, इस चैप्टर का काम बहुत बड़ा है और इस चैप्टर का दाम भी बहुत बड़ा है। मतलब क्या है, चैप्टर थोड़ा लेंथी है बट वेटेज भी उतनी ही ज़्यादा है और बहुत ज़रूरी चैप्टर माना जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड्स का स्टैंडर्ड जो एग्जांपल है क्या, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, और बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है, डीएनए के बारे में पढ़ना है और आरएनए के बारे में पढ़ना है, और ये न्यूक्लिक एसिड अपने होते हैं। ठीक है, देखो अभी अभी हमने देखा कि डीएनए है या फिर आरएनए है, वो पॉलीमर्स हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखो इन चीजों से मिलकर बनता है बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों किसे मिलेंगे, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो जो ये है ना नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटो शुगर, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज द न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या है, फॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस की हमने बात की, इसके बारे में बात करते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। तो नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, प्योरीन्स हो सकते हैं या फिर पाइरिमिडीन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब प्योरीन्स कौन से होते हैं अपने पास, ए एंड जी, ए फॉर एडीनाइन जी फॉर ग्वानिन। और पाइरिमिडीन्स कौन से होते हैं, सी यू टी होते हैं, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस अपने बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डीएनए और आरएनए का डिफरेंस देखेंगे। देखो हमने डीएनए या आरएनए की बात की थी कि उसमें नाइट्रोजिनस दोनों में ही होगा कि नाइट्रोजिनस बेस भी होगा, पेंटोज शुगर भी होगा और फॉस्फेट भी होगा। देखो फॉस्फेट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फॉस्फेट तो यार फॉस्फेट ही होता है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। बट डीएनए और आरएनए की बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस में थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है और पेंटोज शुगर में भी थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्या होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो शुगर की बात करें, देखो नाम में आ रहा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसमें शुगर कैसी होगी, डीऑक्सीराइबोज है ना, नाम में ही है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है, खाली आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसकी शुगर कैसी होगी, राइबोज होगी। याद करो हमने शुगर की पेंटोज शुगर की बात की थी, तो पेंटोज शुगर डीएनए में कैसी होगी, डीऑक्सीराइबोज नाम में ही आ रहा है, और आरएनए में होगी खाली राइबोज। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो पांच टाइप के थे। देखो अपने पास पांच थे, कौन से, ए जी सी यू टी। ठीक है, अब डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या है, डीएनए में कौन सा एब्सेंट होता है, डीएनए में आपको यूरेसिल देखने को नहीं मिलेगा। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में आपको थाइमीन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए, डीएनए में क्या है, यूरेसिल देखने को नहीं मिलेगा और आरएनए में थाइमिन देखने को नहीं मिलेगा। तो डीएनए में कौन से हो जाएंगे, एडीनाइन हो जाएगा और कौन सा थाइमिन हो जाएगा और कौन सा गुआनिन हो जाएगा और कौन सा साइटोसिन हो जाएगा। आरएनए की बात करें तो थाइमिन को छोड़ के एडीनाइन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। ठीक है, थाइमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है, ये बात याद रखनी है। तो अब हम डिटेल में डीएनए भाई साहब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद हो जाएं तो अच्छी बात है, याद करनी ही पड़ेंगी, हो जाए अच्छी बात नहीं है, याद करनी ही पड़ेंगी कि डीएनए इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, है ना, पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने कब, 1869 में। ठीक है, नेक्स्ट है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये तो यार सुपरहिट क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टडीड डीएनए विद एक्सरे, कि डीएनए और एक्सरे का जहां पे रिलेशन आ जाए तो साइंटिस्ट कौन से होंगे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, डीएनए नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये बात भी याद रखेंगे। और हिस्टोन पढ़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन है ना, डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे तब भी ये आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं, डीएनए को पहली बार आइडेंटिफाई किसने किया, फ्रेडरिक मिशर ने किया। डबल हेलिक्स मॉडल ये तो आपको पता ही होना चाहिए, 500% पता होना चाहिए। और डीएनए और एक्सरे का जहां भी रिलेशन दिख जाए जिस भी क्वेश्चन में, तो आंसर जाएगा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। और डीएनए नेचर में एसिडिक होता है, ये मैं बात आपको आगे भी बता दूंगा।
ठीक है। अब देखो ये थोड़ा डीएनए को आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ, आप दिक्कत मत लो। ठीक है, देखो हम बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि डीएनए होता है ना, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड के हमने क्या बातें की थी कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होंगे, नाइट्रोजिनस बेस होगा, प्लस क्या होगा, पेंटोस शुगर होगी, प्लस क्या होगा, फॉस्फेट होगा। ये हमने बात की थी कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें नाइट्रोजिनस, उसमें क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस होगा। अरे यार ये तो गलती हो गई, एक मिनट रुको। हाँ अब चलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होगा, पेंटोस शुगर होगा, और क्या है, फॉस्फेट होगा। ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये अपना डीएनए है, ये अपना डीएनए है ना। और आप बोलोगे कि ये रिक्वायरमेंट अब इसकी पूरी करके बताओ। देखो ये अपने क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है ना, ATGC ATGC ये क्या है, अपने नाइट्रोजिनस बेस है इसमें। ठीक है, और पेंटो शुगर ये अपनी शुगर आ गई, S4 शुगर आ गई, ये अपनी शुगर आ गई, ये अपनी शुगर आ गई। ठीक है, और फॉस्फेट क्या है, ये अपना फॉस्फेट है, ये अपना फॉस्फेट है, ये अपना फॉस्फेट है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है ना, नाइट्रोजिनस बेस और ये क्या है, अपनी शुगर है, और ये अपना फॉस्फेट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज यहीं पे आप ध्यान दो, मैं बाद में भी बता दूंगा, पर यहाँ पे भी ध्यान दो, जो ए और टी होते हैं ना, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड भी कैसा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर यहाँ पे ध्यान देने लायक बात क्या है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। हाँ, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये ध्यान देने लायक बात यहाँ पे है। ठीक है, ये ध्यान देने लायक बात है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। और ये ए और टी जो लिखा है, इसको हम यहां से वो क्या बोलते हैं, वर्ड नेस्नो नाबूत, क्या बोलते हैं, तेस्तो ताबूत, नेस्नो ताबूत, पता नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये अपना कुछ डीएनए है ना, ये तो हमने छोटी सी यहां से मान लो छोटा सा स्ट्रिप काट के देख रहे थे, पर ये अपनी ऐसा सा कुछ दिखेगा। ठीक है, ऐसा सा कुछ दिखेगा। अरे अब यहां पे याद करने लायक बातें क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये क्या, देखो ये जो चीज है ना वो यहां पे ये एक है, ये जो चीज है वो यहां पे ये एक है, ये जो चीज है वो यहां पे एक है, ये जो चीज है वो यहां पे एक है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये दो नाइट्रोजिनस बेस में देखो यहां पे जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, ये कितना है, 3.4 एंगस्ट्रोम का होता है, ये वाला 3.4 एंगस्ट्रोम का होता है। ठीक है, अब देखो इस एक टर्न की बात करें कि देखो टर्न क्या है बेसिकली, कि जहां पे ये पोजीशन आ रही थी नेक्स्ट वो इस डीएनए में कहां पे आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टर्न हो गया, ये डीएनए का वन टर्न हो गया, ये वन टर्न हो गया। ठीक है, और इस एक टर्न में कितने आ रहे हैं, ये वाले कितने आ रहे हैं, अपने 10 आ रहे हैं, ये 10 आ रहे हैं। तो दो के बीच में डिफरेंस कितना था, 3.4, तो एक टर्न में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होकर ये पूरा एक टर्न का जो डिस्टेंस आ जाएगा पूरा, है ना, जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 34 एंगस्ट्रोम आ जाएगी, जिसमें 10 बेस पेयर आ रहे हैं, 10 बेस पेयर आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और एक यहां पे बात याद रखनी है कि ये जो है ना, एक तरीके से डायमीटर बोल लो, ये जो है ये कितनी पाई जाएगी लेंथ, 20 एंगस्ट्रोम पाई जाएगी। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रोम है, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, कुछ भी याद नहीं किया, बस ये 20 याद रख लेना कि ये जो डायमीटर है ये 20 एंगस्ट्रोम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये वही बात है मैंने जो आपको बताई थी कि भाई ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे शरगाफ्स रूल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नीट में पहले क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, कि डीएनए में क्या होता है, जो प्योरीन्स होते हैं ना वो पायरिमिडीन के बराबर होते हैं, अगर काउंट करके चलें। प्योरीन क्या थे, ए और जी थे, पायरिमिडीन क्या थे, टी सी एंड यू, बट यू क्या है, हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो यूरेसिल तो यहाँ पे होगा नहीं, है ना। तो क्या बोल रहा है कि प्योरीन्स की संख्या पायरिमिडीन के बराबर होती है, लगभग बराबर होती है ना, ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस एस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है डी नेचुरेशन ऑफ डीएनए। देखो डी नेचर क्या होता है बेसिकली, किसी भी, चाहे प्रोटीन की बात कर रहे हो चाहे किसी भी चीज की बात कर रहे हो, कि हमने क्या दिया, बहुत सारा टेम्परेचर दिया, बहुत सारी गर्मी दी, तो जो भी चीजें हैं वो टूट जाएंगी। ठीक है, अब डीएनए में टूटने लायक यहां पर क्या है, तो सिंपल सी बात है, जब हम डीएनए को बहुत सारी गर्मी देंगे तो ये दो स्टैंड आपस में जो जुड़ी हुई है ये यहां से टूट जाएंगी। बेसिकली क्या है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये यहां से टूट जाएंगे और स्टैंड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इफ डीएनए प्लेस एट हाई टेम्परेचर डबल स्टैंड विल सेपरेट, है ना, वो सेपरेट, समझ गया आप सारी कहानी मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट हम डीएनए पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं। देखो हमने बात की थी डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और हिस्टोन कैसा होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब यहां से जो अपने को बात पता चल रही है कि ये नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, मतलब एक दूसरे से ये चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो क्या है, इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो सकती है ना। डीएनए, देखो डीएनए
डीएनए मान लो ऐसे है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, ऐसे 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 उलझा पड़ा हुआ है, मतलब इतना बड़ा होता है वो सेल में घुस ही नहीं पाएगा, है ना। छोटी सी, देखो क्या होता है, सेल होती है, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा डीएनए है। अब उसको पैकेजिंग उसकी करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, पैकेजिंग उसकी नहीं हो पाएगी। तो उसकी पैकेजिंग कौन करवाता है, हिस्टोन प्रोटीन करवाते हैं, कि जिससे इतना सारा डीएनए इस छोटे से न्यूक्लियस में घुस पाता है और मैनेज हो पाता है, ठीक है। और पैकेजिंग हुई कैसे, कंसेप्ट क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो हिस्टोन प्रोटीन पांच टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये पांच टाइप के होते हैं, ठीक है। अब याद रखने लायक बात क्या है कि ये जो चार है ना, ये एक साथ रहते हैं, ये जो चार हैं ये एक साथ रहते हैं, और H1 क्या है, इनसे अलग रहता है, ये खास है, ये क्या है, लिंकर है, ये क्या है, लिंकर है, कैसे लिंकर है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये चार हैं, ये चार हैं, और इनको दो से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, आठ आएगा। ये है चार, इनको दो से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा आठ है। और आठ वर्ड को हम क्या यूज करते हैं, ओक्टा, है ना। जैसे पांच को पेंटा, है ना, चार को टेट्रा, वैसे आठ को क्या बोलते हैं हम, ओक्टा बोलते हैं, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, देखो टू इंटू और ये चार हो गई, ये बना देंगे हिस्टोन ऑक्टामर। अब ध्यान दो यहां पे H1 नहीं है, H1 क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, ये लिंकर होता है, ठीक है। अब यहां पे इससे पहले तुम इसमें ध्यान देंगे, हम ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे। देखो ये जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर था जो इन्होंने चारों ने बनाया था, तो ये तो है ये वाला, ये अपना जो हरे हरे कलर का ये गोला रख, ये हरे कलर का जो ये गोला दिख रहा है, ये अपना हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। और ये क्या है, अपना डीएनए है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो फील नहीं आएगी, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये अपना डीएनए है। देखो अब वही कंसेप्ट है कि डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है ना, और ये हिस्टोन कैसा है, हिस्टोन कैसा है अपना, पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक तरीके से अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डीएनए इसके तरफ ऐसे पैकेजिंग है, ठीक है। और डीएनए को देखो लिंकर, हम बार बार कर रहे थे कि H1 क्या है, अपना लिंकर है, तो उसने देखो डीएनए को कैसे लिंक किया हुआ है ना, एक तरीके से जोड़ के ही रखता है। ये हिस्टोन ऑक्टामर जहां पे अपने ये वाले आ गए और H1 कहां आया, ये अपना H1 हो गया और डीएनए ये पैक है, ठीक है। अब ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या आया, H1 कलर बदल देते हैं, H1 लिंकर हिस्टोन आया, लिंकर आया, ठीक है। और क्या आया, हिस्टोन ऑक्टामर आया जो हरे रंग का गोला है अपना, और क्या आया, डीएनए आया, और डीएनए भी कितना आया, 200 बेस पेयर डीएनए आया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये चीजें आप याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वैसे लॉजिकल भी बन जाएगी पर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब फिर से देख लेते हैं, देखो हम क्या कर रहे थे, हिस्टोन और डीएनए को मिला के हमने क्या बनाया, हिस्टोन और डीएनए को मिला के हमने क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम मिलाया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम, अगर 6 न्यूक्लियोसोम मिल जाए तो क्या बना देंगे, सोलिनॉइड बना देंगे। अब बहुत सारे मैनी मतलब बहुत सारे सोलिनॉइड मिलकर क्या बना देंगे, क्रोमेटिड बना देंगे, और 2 क्रोमेटिड क्या बना देगी, क्रोमोसोम बना देगी। अब क्रोमेटिड तो आपको पता ही होगी कि क्रोमेटिड कैसी होती है, देखो याद करो कैसे होता था, देखो ये है सेंट्रोमियर है अपना, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब ये है मान लो एक क्रोमेटिड, और ये क्या है, दूसरी क्रोमेटिड, और ये पूरे को क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये है एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, और 2 क्रोमेटिड बनके क्या बना देती है, पूरा क्रोमोसोम बना देती है, ठीक है। पूरा समझ रहे हो अब कैसे बना, कि डीएनए, फिर डीएनए हिस्टोन के साथ पैकेजिंग होकर क्या बना, न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम 6 क्या बना देंगे, सोलिनोइड, बहुत सारे सोलिनोइड, क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, क्रोमोसोम बना देंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये आपको थोड़ा याद रखना है कि यू क्रोमेटिन क्या है, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन को यू क्रोमेटिन बोलते हैं, और हेटरोक्रोमेटिन क्या है, डेंसली पैक्ड को बोलते हैं हेटरोक्रोमेटिन। देखो अब हम 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, पहला अपना रहेगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दूसरा अपना रहेगा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और तीसरा अपना एक्सपेरिमेंट रहेगा हर्शे एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब तीनों एक्सपेरिमेंट में लगभग लिंक्ड हैं, तीनों लिंक्ड हैं आपस में, और क्यों है वो देखते हैं। देखो आज के जमाने में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो आप भाग के आंसर दोगे कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है। हमें पता है क्योंकि पता है, मान लो ये किसी के फादर हैं और ये उनका बच्चा है, तो हम इजीली बता देंगे कि फादर से बच्चे में क्या जाते हैं, जीन जाते हैं, और जीन क्या है, बेसिकली अपना डीएनए ही तो है, तो हम बता देंगे फादर से बच्चे में डीएनए जाता है, हम इजीली बता देंगे जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है,
ना। तो ये तो है आज के जमाने की बात, जब इतनी सारी साइंस तरक्की कर चुकी है, हमें सारी बातें पता है, ठीक है। बट पुराने जमाने में किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किसी को नहीं पता था, है ना। मतलब हमें लगता था कि भाई डीएनए भी हो सकता है, हमें लगता था भाई ये आरएनए भी हो सकता है, हमें लगता था भाई ये प्रोटीन भी हो सकता है या फिर और कुछ भी हो सकता है ना। हमें पता ही नहीं था डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं था, ठीक है। अब पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पता लगाने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें तो बना बनाया मिल गया, तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया। और किसका यूज करके किया, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका यूज किया था, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में क्या है, इसकी दो कॉलोनीज होती है, एक स्मूद कॉलोनी और एक रफ कॉलोनी। अब स्मूद और रफ में डिफरेंस क्या है, देखो स्मूद कॉलोनी के, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपको ट्रिक बता रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने दूंगा, ठीक है। देखो स्मूथ कॉलोनी में क्या होता है, म्यूकस कोट होता है बैक्टीरिया के बाहर, ठीक है। और रफ कॉलोनी में म्यूकस कोट अब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें म्यूकस कोट है बाहर, तो याद रख लेना कोट बाहर है, मतलब वो एक तरीके से कैप्सूल बन गया है, है ना। कोट है C4, कोट है C4 कैप्सूल है, स्मूद कॉलोनी में C4 कोट है, C4 कैप्सूल है, और इसमें कोट ही नहीं है तो कैप्सूल भी नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड है, ठीक है। अब इतना हमें पता चल गया कि इसके पास कैप्सूल है, तो जाहिर सी बात है ये वाला तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों तगड़ा है, मान लो ये वाला स्मूथ वाला जिसके पास कैप्सूल है, ये किसी की बॉडी में जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके पास कैप्सूल है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, है ना, ये अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। ये नॉन कैप्सुलेटेड है, इसको इम्यून सिस्टम उड़ा देगा। मतलब क्या है, कैप्सूल वाला कैसा होता है, वायरुलेंट होता है, और ये नॉन वायरुलेंट, वायरुलेंट मतलब खतरनाक है, ठीक है। तो इतना कंक्लूजन हमें मिल गया कि स्मूथ कॉलोनी क्या है, वायरुलेंट है, खतरनाक है, रफ कॉलोनी क्या है, नॉन वायरुलेंट है, खतरनाक नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, एक्सपेरिमेंट किया कि जो स्मूथ कॉलोनी वाला था ना, उसमें उसको किसमें, एक चूहे में इंट्रोड्यूस करा दिया, माइस में चूहा या चूही कुछ भी बोलो, माइस में इंट्रोड्यूस करा दिया, हाँ। अब हम बात कर चुके हैं कि वायरुलेंट है, खतरनाक है, तो माइस अपना ऊपर पहुंच जाएगा, टपक जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बार इन्होंने क्या किया, यहां पे क्या किया, इन्होंने जो स्मूथ कॉलोनी थे ना, इसको क्या कर दिया, हीट से किल कर दिया एस स्टेन मतलब स्मूथ वाली, है ना, और आर स्टेन कौन सी है, रफ वाली। तो हीट से किल करके जब उस माइस में इंट्रोड्यूस किया तो वो जिंदा रह गया, है ना। अब देखो जब वो ऐसे का ऐसे डाला तो वो टपक गया, और जब हीट से किल करके, एस स्टेन को हीट से किल करके गया तो वो जिंदा रह गया। तो इतनी बातें अपने को नोट डाउन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, रफ कॉलोनी को जब उस माइस में इंट्रोड्यूस किया तो वो जिंदा रह गया, तो एक बात तो यहां पे क्लियर होगी कि रफ वाला माइस को टपकाने में कामयाब नहीं हो सकता। अब देखो यहां पे देखो अपने को क्या पता चल गया कि आर स्ट्रेन को, यानी रफ स्ट्रेन को जब हम डालते हैं माइस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जिंदा है, और हीट किल्ड एस को जब डालते हैं तो भी जिंदा है। तो उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस को और आर को उन्होंने मिला के, इन दोनों को मिला के इंट्रोड्यूस जब किया तो माइस फिर से टपक गया, है ना। देखो यहां पे लाइव था, यहां भी लाइव था, पर मिला के किया तो वो टपक गया। किस किस को मिला के, कि एस वाली किल्ड और आर वाली तो जिंदा रहेगी, वो तो ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो यहां पे एक कंक्लूजन निकला, देखो आर वाला तो मार नहीं सकता था, मतलब क्या है, इसी ने कुछ किया है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कि मतलब कुछ तो ऐसा है जो स्मूद से रफ वाले में ट्रांसफर हुआ है, और जिसने ये कारनामा करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहां पे एक बात तो पता चल गई कि कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफर होता है, बट वो क्या है इसका आइडिया नहीं लगा, है ना। वो क्या है, वो डीएनए है या फिर वो आरएनए है या फिर वो प्रोटीन है, इसका आइडिया नहीं लगा था, पर कुछ तो ट्रांसफॉर्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, कौन सा, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखा था कि कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफर हो रहा है, पर अपने को शक है वो डीएनए है या फिर वो आरएनए है या फिर वो प्रोटीन है, अपने को शक है, इनमें से अपने को पता ही नहीं है कि कौन सा ऐसा है जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम वो पता लगाएंगे। देखो इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है आखिरकार। देखो ये हमारे पास मान लो दो कमरे हैं, ठीक है, और इस कमरे में क्या है, तीन इंसान हैं, ठीक है। एक इंसान का नाम क्या है, एक इंसान का नाम है डीएनए, एक इंसान का नाम है आरएनए, एक इंसान का नाम है प्रोटीन,
ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों में से कोई तो ऐसा इंसान है जो इस कमरे में आ रहा है, कोई तो ऐसा इंसान है जो इस कमरे में आ रहा है, बट वो इंसान कौन है इन तीनों में से वो हमें नहीं पता, वही इस एक्सपेरिमेंट पे हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए सिंपल सा तरीका क्या लगाया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं हम इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना, मतलब क्या है, इसको यहां से उड़ा देंगे। ठीक है, तो इस केस में भी हमने क्या देखा कि फिर भी इन दोनों में से कोई आ रहा है, मतलब भाई प्रोटीन तो नहीं है जो आ रहा है ना, इसको उड़ाने के बाद भी यहां पे कोई प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, मतलब या तो डीएनए है या आरएनए है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट बार हमने क्या किया, हमने आरएनए को उड़ा दिया, है ना, हमने क्या है अपना प्रोटीन ऐसे का ऐसे है, हमने आरएनए को उड़ा दिया। ठीक है, फिर भी यहां पे कोई आया मतलब क्या है कि आरएनए भी वो इंसान नहीं है जो यहां पे आ रहा है। ठीक है, और थर्ड बार में हमने क्या किया, डीएनए को ही उड़ा दिया। अब डीएनए को जब उड़ाया मतलब डाइजेस्ट किया, तो यहां पे इस वाले कमरे में हमें कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया, तो इस बात से पता चल गया कि यहां पे जो आ रहा था वो क्या था, डीएनए था, मतलब डीएनए ही अपना क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस बात से हमें थोड़ा आइडिया लग गया, है ना, एक 100% तो नहीं बोल पाए पर आइडिया लग गया कि डीएनए ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी याद करने वाली कि यह एक्सपेरिमेंट किसने किया था, एवरी मैक्लोइड मैकार्टी ने। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए, इन्होंने बता दिया कि हाँ भाई डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। क्या यूज किया इन्होंने, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज किया, है ना, प्रोटीन को जब उड़ाया प्रोटीन को डाइजेस्ट किया प्रोटीएज की हेल्प से, आरएनए को डाइजेस्ट किया आरएनएज की हेल्प से, डीएनए को डाइजेस्ट किया डीएनएज की हेल्प से। तो प्रोटीन को जब डाइजेस्ट किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, है ना, क्योंकि डीएनए तो कर रहा था, आरएनए को डाइजेस्ट किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई क्योंकि डीएनए कर रहा था, जब हमने डीएनए को डाइजेस्ट किया तब क्या है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई क्योंकि डीएनए ही था ना। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो अपनी यही कंफ्यूजन चल रही है कि आखिरकार जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए आरएनए प्रोटीन, है ना, फिर भी हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके चांसेस ज्यादा हैं, बट हम अभी तक 100% नहीं बोल पा रहे। ठीक है, तो इसी को, है ना, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको 100% साबित करने के लिए हर्शे एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट है, ये वाला अपना एक्सपेरिमेंट है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या किया था, देखो इसमें उन्होंने यूज किया था किसका, बैक्टीरियोफेज का यूज किया था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस, नाम में आ रहा है बैक्टीरियो, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, देखो वायरस है, अब ये वायरस का पता है ना आपको, प्रोटीन का कोट होता है, वायरस में दो ही तो चीजें होती हैं, एक जेनेटिक मटेरियल, एक क्या होता है, प्रोटीन कोट। तो इसके पास प्रोटीन कोट होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल इसमें कौन सा है, डीएनए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो जो डीएनए होता है डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था ना डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट तो होता ही है ना, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो डीएनए में फॉस्फोरस होता है, ये बात हमें पता है। और दूसरी साइड बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन में सल्फर होता है, तो यही चीज हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव, एक बार में हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज किया, उस पर फोकस करेंगे, एक बार में हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का यूज किया, उसका यूज करेंगे। देखो फॉस्फोरस किसमें होता है, डीएनए में होता है, सल्फर किसमें होता है, प्रोटीन में होता है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव क्यों यूज किया, क्योंकि नॉर्मल अगर यूज करते तो हमें पता ही नहीं चलता, रेडियो एक्टिव तो एक तरीके से पहचान करने के लिए ना, हमें पहचान करने में आसानी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब यहां पे ये अपना बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया किसने, बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया। अब इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ठीक है, अब यहां से क्या है, देखो ये जो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन करने के बाद क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, ये अपना बैक्टीरिया है, ये अलग हो गया। ठीक है, अब हमें यहां पे देखने को क्या मिला, ये अपना सल्फर वाला चल रहा है, ये अपना क्या है, सल्फर वाला चल रहा है, रेडियो एक्टिव सल्फर। अब देखने को क्या मिला अपने को यहां पे, कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर है वो यहां पे अब्सेंट है इसके अंदर, वो कहां दिखाई दिया, इसमें ही दिखाई दिया। ठीक है, मतलब क्या है कि जो अंदर जेनेटिक मटेरियल, अंदर तो क्या आएगा, जेनेटिक मटेरियल ही आएगा, तो जेनेटिक मटेरियल जो अंदर आया है वो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन अगर वो होता तो सल्फर अंदर दिखाई देता। सेम इसमें है, इन्फेक्शन कराया और अंदर ये है जेनेटिक मटेरियल आया, और यहां देखने को अपने को क्या मिला कि अंदर जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है ना, यहां पे था ना, इसमें से वो गायब है। क्यों है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अंदर, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो किसकी हुई है, डीएनए की हुई है, जो ट्रांसफर हुआ है। तो इससे बिल्कुल 100% है ना, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब बढ़ते हैं आगे,
अब हम पढ़ना चाहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये सिंपल भाषा में क्या बोलता है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है तो आधा कंजर्व हो रहा है। देखो सेमी मतलब क्या होता है, आधा। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव, मतलब क्या है, कंजर्वेशन हो रही है ना, मतलब क्या है, डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा है तो उसमें आधे की तो कंजर्वेशन हो रही है, मतलब आधा तो पुराना है और आधा क्या है, नया बन रहा है। ठीक है, देखो जो याद करने की चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो मान लो अपने पास ये डीएनए था, मान लो अपने पास ये डीएनए था, ये डीएनए था, ठीक है, उसमें क्या थी, डबल स्ट्रैंड थी, है ना, ये यहाँ पे ये बना देते हैं नाइट्रोजनस बेस भी, ये अपने पास डीएनए था, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए कि भाई इसमें क्या कराओ, रेप्लिकेशन करा दो। अब इसमें क्या कराओ, रेप्लिकेशन करा दो। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब रेप्लिकेशन हो रही है तो आधा, सेमी मतलब आधा क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, आधा कंजर्व मतलब आधी तो वही स्टैंड रहेगी, मतलब एक स्टैंड ये रहेगी और दूसरी क्या हो रही है, दूसरी नई बन रही है, दूसरी नई बन रही है, ठीक है। सेम रेप्लिकेशन होगी तो सेम वही है, एक स्टैंड तो वही रहेगी पुराने वाली और एक क्या बन जाएगी, नई बन जाएगी, एक बन जाएगी नहीं, यहां पे इनके बेस बना देते हैं, यहां पे इनके बेस बना देते हैं, है ना। तो क्या है, यहां पे दिखाई दे रहा है कि रेड कलर वाली आधी क्या हो गई, कंजर्व हो गई, रेड कलर वाली आधी कंजर्व हो गई और ब्लू वाली आधी क्या है, नहीं बन गई, आधी नहीं बन गई, ठीक है। अब देखो यहां पे फोकस करो कि यहां पे फोकस करो, अगर यहां पे हम रेप्लिकेशन करा दें, यहां पे रेप्लिकेशन करा दें तो क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि आधा तो कंजर्व हो जाएगा, मतलब क्या है, देखो एक तो रेड वाली हो जाएगी, आधा कंजर्व हो जाएगा और एक नई बन जाएगी, एक कैसी बन जाएगी, ब्लू कलर की नई बन जाएगी, ठीक है। ये तो हमने इसका यूज कर लिया और इससे क्या होगा, आधी तो यही रहेगी, है ना, ये तो रहेगी रहेगी और आधा नया बन जाएगा और नई भी कैसी बनेगी, ब्लू बन जाएगी, नई भी अब ब्लू बन जाएगी, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यही वो बात बोल रहे हैं कि रेड वाला, जो रेड वाला उन्होंने यूज किया था, रेड वाली जो स्टैंड यूज की, उन्होंने हैवी हैवी आइसोटोप यूज किया, N15 यूज किया, है ना, उसे पता लग रहा है कि हाँ भाई देखो एक ये हैवी है तो यहाँ पे अपने को हैवी दिखाई दिया, यहाँ भी हैवी दिखाई दिया, यहाँ भी हैवी और दूसरी लाइट बन रही है, दूसरी लाइट बन रही है, तो अपने को पता चल गया कि हाँ भाई आधा कंजर्व हो रहा है, आधा हैवी है इधर और आधा लाइट है, और आगे फिर वो रिजल्ट वो घटता जाएगा ना, टोटल में से रिजल्ट में से हैवी वाला कम होता जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें बताता हूँ आपको याद क्या करना है, आपको तो याद ये करना है कि एक्सपेरिमेंट इसमें किसने किए थे, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किए थे, किसमें, ई कोलाई में, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किए थे, ई कोलाई में किए थे, और टेलर साइंटिस्ट ने किसमें, वीसिया फाबिया में, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, मेसेल्सन स्टाहल, यार ये नाम पे ही मैंने वो लिख दिया, ये थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किसमें, ई कोलाई में, टेलर ने वीसिया फाबिया में, ठीक है, और एक मेसेल्सन एंड स्टाहल वाला ही है इसमें मेन जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने आइसोटोप हैवी हैवी आइसोटोप यूज किया था, N15, एक तो N15 याद रखना है, हैवी आइसोटोप, और क्या याद रखना है, ई कोलाई याद रखना है, और क्या याद रखना है, ये वाला, है ना, ये वाला आपको NH4Cl वाला याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगेशन किसमें, सीजियम क्लोराइड में, ये याद रखना है, ये याद रखने की चीजें हैं यहां पे, ठीक है। ये वही डायग्राम है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम, देखो ये रेड थी, दोनों क्या थी, रेड थी, अब सेमी कंजर्वेटिव मतलब इसमें यहां ये रेड रह गई और एक ग्रीन आ गई, एक रेड एक ग्रीन आ गई, ठीक है। इसमें फिर क्या है, वही वही चीजें हैं जो यहां पे हमने करके देखी, वही चीजें हैं, ठीक है। यहां पे वही दिखाया गया कि यहां पे देखो दोनों N15 थे और यहां पे एक N15 रह गया, यहां पे देखो फिर क्या है, 14 14 14 तीन नए आगे और पुराना क्या है, एक N15 चल रहा है। अब देखो अब हम RNA के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो RNA जो होती है वो तीन टाइप की होती है, कौन सी, एक होती है राइबोसोमल RNA, ये क्या है, राइबोसोमल RNA, एक है मैसेंजर RNA mRNA, एक है ट्रांसफर RNA tRNA, ठीक है। अब यहां पे याद रखने लायक बात क्या है कि इन तीनों में से मैक्सिमम आरएनए कौन सी होती है, मैक्सिमम राइबोसोमल होती है, और मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, वो भी राइबोसोमल होती है, और मिनिमम कौन सी होती है, मैसेंजर आरएनए होती है, और ये लीस्ट स्टेबल होती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है वो मैक्सिमम भी होती है और मोस्ट स्टेबल भी होती है, और जो मैसेंजर आरएनए है वो मिनिमम भी होती है और लीस्ट स्टेबल भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये थोड़ी हम अपने राइबोसोमल आरएनए के बारे में, देखो इनके बारे में तो बात आगे होती है ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, पर यहां पे राइबोसोमल आरएनए के बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। देखो बेसिकली जो राइबोसोम होता है ना, अपने राइबोसोम, वो कुछ नहीं होता, वो आरएनए ही होता है, वो राइबोसोमल आरएनए ही होती है, जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, 70S होता है, और यूकैरियोट में कैसा, 80S होता है, और 70S की सब यूनिट क्या होती है, 50S एंड 30S, और 80S की 60S 40S। अब 50S किससे बनी है, 23S और 5S से, और 30S में कौन सी है, 16S, 60S में 28S, 5.8S, 5S, 18S। सिंपल सी बात है यार, थोड़ा याद रख लोगे तो फायदे में रहोगे, है ना, और ये करना पड़ेगा भाई आपको, ये एनसीईआरटी में है, 28 23 ये सब है एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। देखो बेसिकली यहां पे होगा क्या, आरएनए और डीएनए कंपटीशन चलेगा, यहां पे होगा क्या, आरएनए वर्सेस
डीएनए का कंपटीशन चलेगा, है ना। ये बोल रहा है कि मैं बेहतर हूँ, ये बोल रहा है मैं बेहतर हूँ, किसके लिए, कि जेनेटिक मटेरियल के लिए। आरएनए बोल रहा है मैं अच्छा हूँ, ये बोल रहा है मैं अच्छा हूँ, तो हम क्या करते हैं, दोनों में कॉम्पिटिशन करा देते हैं, ठीक है। तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई कि हम ये रूल बना रहे हैं कि इन इन चीज़ों को जो फॉलो करेगा, यार फिर से ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सरकार ने ये गाइडलाइन बनाई कि इन चीज़ों को जो फॉलो करेगा वो अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा, कि हम कंक्लूजन फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। पहला रूल ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। इस तरीके की हम एक कंक्लूजन फाइनल लेकर निकालेंगे। तो पहला क्या है कि उन्होंने बोला कि शुड बी एबल टू जनरेट इस रेप्लिका, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो रेप्लिकेशन उसको करनी चाहिए, है ना। तो डीएनए ने बोला कि हाँ भाई मैं रेप्लिकेशन करता हूँ, आरएनए ने बोला मैं भी रेप्लिकेशन करता हूँ, तो डीएनए एंड आरएनए आर बोथ एबल टू रेप्लिकेट, है ना। तो यहां से तो भाई बराबरी पे आगे कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ठीक है। फिर नेक्स्ट गाइडलाइन क्या आ गई कि भाई जेनेटिक मटेरियल होने के लिए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, है ना। क्या है, स्टेबल होना चाहिए, है ना। तो डीएनए इस बारी में जीत गया, डीएनए ने बोला कि मैं ज्यादा स्टेबल हूँ, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, आप याद करो डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता, तो आरएनए में यूरेसिल होता है तो उसको अनस्टेबल ज्यादा बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, म्यूटेशन होनी चाहिए, शुड शो स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। तो आरएनए में डीएनए के कंपैरिजन में ज्यादा म्यूटेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि इस बात को अच्छा माने कि बुरा माने, है ना। अब ज्यादा, बहुत ज्यादा म्यूटेशन होती है तो आप खुद ही सोच लो क्या हाल हो जाएगा, है ना, कि कुछ थोड़ा सा हुआ और एक्सप्रेशन कुछ भी एक्सप्रेस हुआ एनवायरमेंट में या कुछ भी, और म्यूटेशन हो गई और काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो यहां पे क्या बताया गया है कि कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने में कौन ज्यादा अच्छा है, डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने में आरएनए ज्यादा बेहतर है डीएनए के कंपैरिजन में। बट यहां पे स्टोरेज की बात करें, बट यहां पे अगर स्टोरेज की बात करें, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज की बात करें, तो डीएनए ज्यादा बेहतर है, डीएनए ज्यादा बेहतर है ना। तो भाई वहां पे जज वज बैठे, सारे जज लाइन में बैठे, तो उन्होंने लाइन में बैठ के ये कंक्लूजन निकाला कि भाई इन सारी बातों को देखते हुए कि अपना क्या है, अपना डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में क्या है, अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज बेटर देन आरएनए, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, जेनेटिक मटेरियल, एज ए जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। डीएनए इस मुकाबले में जीत गया। तो हमें सबसे पहले देखना है सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। देखो सेंट्रल डोगमा में होता क्या है, हमें डीएनए से बनाना है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से हमें बनाना है क्या, प्रोटीन हमें बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पे प्रोसेस देखो क्या क्या होगी। देखो डीएनए से ही अगर डीएनए बनाए, मतलब सिंपल सी बात है, जितना डीएनए था उसका हमें डबल कर दिया, है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन हम बोलते हैं, ठीक है। अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए जब बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अभी हमें तीन चीजें पढ़नी है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, नंबर एक, और नंबर दो पे हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और नंबर तीन पे करेंगे हम ट्रांसलेशन। तो हम डीएनए रेप्लिकेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर कैसे होती है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है। डीएनए बना लेते हैं पहले हम अपना, थोड़ा लंबा डीएनए बनाते हैं ताकि अपने को सारी चीजें समझ आ जाए, ठीक है। तो ये है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब इसमें पोलैरिटी बना लेते हैं, मान लो ये अपनी थी 5' और ये है 3', तो ये 5' है, तो ये हो जाएगी 3' और ये हो जाएगी 5', ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब यहां पे अपने को जिन एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी वो हम यहां पे लिख लेते हैं पहले ऊपर। देखो अपने को यहां पे बेसिकली तीन एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, एक होगा हेलिकेज, है ना, इतने से अपना काम चल जाएगा, इससे ज्यादा फालतू एंजाइम की, है ना, अटंटा मत करना। हेलिकेज, एक अपना होगा क्या आरएनए पॉलीमरेज, और एक अपना होगा क्या डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब इनका क्या क्या फंक्शन होगा वो हम बातें करेंगे, कौन सा हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब क्या है, ये अपना डीएनए है, अब हमें रेप्लिकेशन करनी है। रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से दो बनाने हैं, मतलब जितना है उसका डबल बनाना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर एक लोकेशन होती है, डीएनए के अंदर एक लोकेशन होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और उस लोकेशन को क्या नाम देते हैं, ओराई, उसको हम बोलते हैं ओराई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब
अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जगह पे कौन सा अपना एंजाइम हेलिकेज जो एंजाइम है वो आके लग जाएगा, वो आके यहाँ पे लग जाएगा और वो क्या करेगा, अनजिपिंग करेगा। अनजिपिंग मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको ये तोड़ता हुआ चला जाएगा, इनको ये ऐसे तोड़ता हुआ चला जाएगा। अब इनको ये तोड़ेगा तो जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे, है ना, ये वाली इधर भाग जाएगी, ये वाली इधर भागने को दौड़ेगी, है ना, क्योंकि इनका जो बीच में बॉन्ड थे वो ही टूट चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो कैसा दिखाई पड़ेगा एक बार ढंग से बना लेते हैं। इन बॉन्ड्स के टूटने के बाद यहाँ पे अपने को कुछ कैसा दिखाई देगा कि ये वाली स्ट्रैंड इधर चली गई है और ये वाली इधर चली गई है, और ये क्या है अपनी 3' एंड है और ये क्या है अपनी 5' एंड है। ठीक है, अब होना क्या है, जो नया डीएनए बनना है वो यहाँ पे बनना है ना, इसमें यहाँ पे बनना है। और हमें पता है डीएनए की सिंथेसिस कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा 5' 5' टू 3' होती है, ये डीएनए की सिंथेसिस हमेशा रहेगी, है ना। अब यहाँ पे 5' क्या बनेगा, देखो यहाँ पे तो दूसरी स्ट्रैंड, अगर यहाँ पे एक मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर ऐसे नई स्ट्रैंड बनती है, ऐसे नई स्ट्रैंड जब बनेगी तो यहाँ पे उसका आएगा 3' एंड, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5' है और यहाँ पे आएगा 5', और यहाँ पे नई स्ट्रैंड अगर बनेगी तो यहाँ आएगा उसका 5', यहाँ आएगा 3'। मतलब एक कंक्लूजन यहाँ से निकल गया कि यहाँ पे जो डीएनए की सिंथेसिस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब जो नई वाली स्ट्रैंड बनेगी, और यहाँ पे जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। डायरेक्शन भी अपने को पता लग गई, है ना। अब डायरेक्शन पता लग गई और इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको दोबारा करेंगे, क्यों करेंगे वो अपना देखना है, क्योंकि ना अपने ये तो खाली बैठे आ रहे हैं पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज हमने तो बना भी दी, तो इनका यूज भी अपने को समझना है। ठीक है, तो यहां तक हम अब पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एक बार लोकेशन मार्क कर ले, देखो इसमें इस डायरेक्शन में होनी है, तो यहां से क्या होनी है, डीएनए की सिंथेसिस अपनी स्टार्ट होनी है ना, यहां से डीएनए नया बनना स्टार्ट होना है, और यहां पे मान लो यहां से स्टार्ट होना है ना, ऐसे ऐसे जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बना देगा ना, ये मान लो अपना आरएनए प्राइमर है, ये मान लो अपना आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर क्या करेगा, बेसिकली डीएनए के बनने को इनिशिएट करेगा ना। तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमर का गहरा रिश्ता है, तो डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर की सहायता से नया डीएनए, है ना, डीएनए पॉलीमरेज मतलब जो डीएनए बनाएगा, नया डीएनए बनाता चला जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर की हेल्प से नया डीएनए बनाता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए कैसे बनेगा, मान लो ये अपना बन गया, और यहाँ पे कैसे बनेगा, ये अपना बन गया, और उनके बीच के बॉन्ड हम बना देते हैं। पोलैरिटी की बात करें तो ये बनेगी 5', ये बनेगी 3'। तो इतनी कहानी ठीक है, इतनी कहानी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अब ये हेलिकेज जो एंजाइम है, ये हेलिकेज जो एंजाइम है ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये बोल रहा है कि मेरा काम है तोड़ना फोड़ना, तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, ये यहाँ तक पहुँच गया तोड़ते फोड़ते। ठीक है, अब तोड़ते फोड़ते यहाँ तक पहुँच गया तो सिंपल सी बात है, देखो यार रबड़ कहाँ गई, रबड़ गुम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसको तोड़ते तोड़ते यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक अपना क्या पहुँच चुका है, हेलिकेज एंजाइम अपना अनजिपिंग करते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं। अब ये कैसी दिखाई पड़ेंगी भाई, ये स्टैंड कैसी दिखाई पड़ेंगी, देखो ये तो नई कौन सी बनी थी, यहां पे ये वाली बनी थी, तो ये अपनी पुरानी थी और ये अपनी पुरानी थी। ठीक है, अब यहां भी चीजें बननी है, अब यहां भी तो नया डीएनए बना है ना, सेम प्रोसेस जो यहां हमने की वो सेम यहां होनी है ना। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए प्राइमर बनाएगा, आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। अब फिर से एक बार डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, देखो यहां पे तो इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉजिकल बात देखो, यहाँ पे ये हेलिकेज जब आगे बढ़ता जाएगा तो ये वाली स्ट्रैंड जो है हेलिकेज का पीछा करते 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 कंटिन्यू बनती जा रही है ना, तो ये आगे निकल जाएगी, ज़्यादा लग जाएगी ज़्यादा, इसीलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, है ना, ज़्यादा साथ साथ बन रही है। जबकि इसकी बात करें तो देखो ये बन रही थी इस डायरेक्शन में, तो ये इतनी बनी बेचारी, हेलिकेज आगे पहुंच गया, मतलब ये खाली रह गया, फिर से दूसरा सेगमेंट यहाँ नया बनाना पड़ेगा, फिर हेलिकेज आगे निकलेगा, फिर अलग सेगमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब ये क्या है, फ्रेगमेंट्स में बन रही है, और उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे देखो, मान लो ये एक बन गया ओकाजाकी, ये एक बन गया ओकाजाकी, बाद में उनको जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने वाला जो एंजाइम है ना, अपनी बायोलॉजी में फेविकोल किसको बोलते हैं, लाइगेज को बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया जाएगा, तो ये ना अपना नई स्टैंड बन जाएगी। अपने पास क्या थी, है ना, डबल स्टैंडर्ड था और ये नई नई बनती चली गई, इसी को बोलते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन।
हम डिटेल में देख चुके हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन अपनी कैसे होती है, अब हम देखने जा रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। ठीक है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है। ठीक है, अब नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, प्रमोटर मतलब जहां पे अपनी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, टर्मिनेटर मतलब देखो टर्मिनेट होना मतलब बंद हो जाना, मतलब जहां पे अपनी ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगी, यहां से स्टार्ट होगी, यहां से बंद हो जाएगी और बीच में काम कौन सा आएगा, अपना स्ट्रक्चरल जीन अपना काम में आने वाला है। ठीक है, ये स्टार्ट करेगा, ये बंद करेगा और मेन जो काम आएगा, मेन जहां पे काम होगा वो होगा अपना स्ट्रक्चरल जीन। अगर डायग्राम की बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई देगा। देखो ये जो अपना है ना, ये यहां से यहां तक ये क्या है, अपना स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या है अपना स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, और ये क्या है अपना प्रमोटर है, ये क्या है अपना प्रमोटर है और ये क्या है अपना टर्मिनेटर है, और पूरी क्या है अपनी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। सिंपल सी बात है, मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होगी और ऐसे चलेगी और टर्मिनेटर पे आके टर्मिनेट हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। और ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट से हम क्या बना लेंगे, मैसेंजर आरएनए बना लेंगे, है ना, डीएनए से हम क्या बना लेंगे, मैसेंजर आरएनए बना लेंगे ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब स्ट्रक्चरल जीन पे ध्यान देते हैं। देखो यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखाई देगी और टेम्पलेट स्ट्रैंड अपनी कौन सी वाली है, ये वाली है। ठीक है, ये वाली है और ये अपनी कोडिंग स्ट्रैंड है, ये वाली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अपने को बनाना क्या है, मैसेंजर आरएनए अपने को बनानी है, मैसेंजर आरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगी, वो यहाँ पे ऐसे बनेगी, वो यहाँ पे ना इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जो टेम्पलेट स्टैंड है अपनी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो ये वही है, टेम्पलेट वाली अपनी जो है एंटी सेंस जो है, हैज अ पोलैरिटी 3-5, और दूसरी है कोडिंग स्टैंड, ये वाली अपनी कोडिंग स्टैंड है। अब यहाँ पे एक बात को समझो कि अपने को जो प्रोडक्ट चाहिए ना, जो अपने को प्रोडक्ट चाहिए वो इसके जैसा चाहिए, इसीलिए हम इसको कोडिंग स्टैंड बोले ना, ये कोड करेगी, इसके जैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके जैसा प्रोडक्ट इससे तो अपने को नहीं मिलेगा ना, तो हम क्या करते हैं, देखो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं, जो ठीक कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, इसीलिए इसको कोडिंग बोला जाता है, इसको नॉन कोडिंग बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आरएनए पॉलीमरेज की थोड़ी बात करनी पड़ेगी, और ये दोनों में अलग अलग होगी, अब प्रोकैरियोट्स में अलग, यूकैरियोट्स में अलग। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक टाइप की होती है, ओनली ऑफ वन टाइप है ना, और एक ही टाइप की जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सभी टाइप की आरएनए को बनाएगी, वो राइबोसोमल आरएनए को भी बनाएगी, वो मैसेंजर को भी, वो ट्रांसफर आरएनए को भी वही बनाएगी, है ना, एक ही टाइप की आरएनए पॉलीमरेज सभी तरीके की आरएनए को बनाएगी। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे तीन टाइप की आरएनए पॉलीमरेज होती है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। 1 किसको बनाएगी, 1 किसको बनाएगी, तो ये वाले राइबोसोमल आरएनए को बनाएगी। 2 किसको बनाएगी, हेटरोन्यूक्लियर आरएनए को बनाएगी। 3 किसको बनाएगी, ट्रांसफर आरएनए को बनाएगी, और एसएन आरएनए को एक 5S राइबोसोमल आरएनए को बनाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो हर हाल में अपने को ये पता होने चाहिए, ये पता होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन आखिर होती कैसे है, और ये हम किस में बात कर रहे हैं भाई, ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स में, ये बात हो रही है किसकी, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कुछ चीज़ों पे, ये है अपना प्रमोटर, है ना, ये है अपना प्रमोटर और यहाँ पे है अपना टर्मिनेटर। मतलब क्या है, प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी और टर्मिनेटर पे, देखो टर्मिनेटर यहाँ पे लगभग यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तो क्या है टर्मिनेटर पे खत्म हो जाएगी, प्रमोटर और टर्मिनेटर का बीच का जो रीजन है वहीं पे होगा जो कार्यक्रम होना है। ठीक है, अब होगा क्या, अपने को बनानी है मैसेंजर आरएनए, अपने को बनानी है मैसेंजर आरएनए। तो सिंपल सी बात है, देखो मैसेंजर आरएनए अगर अपने को बनानी है, और कैसे बनानी है, कुछ ऐसे बनेगी ना उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, देखो हमने ये देखा था कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री यहां बनाने के लिए, देखो ये पूरा डीएनए थे ना, ये डबल स्टैंड डीएनए था, तो अपने को इतना तो थोड़ा बहुत तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अब बीच में बनेगी। ठीक है, अब होता क्या, वो देखो प्रमोटर रीजन को कौन रिकॉग्नाइज करता है, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है, प्रमोटर रीजन को सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज कर देगा। ठीक है, अब सिग्मा फैक्टर के हेल्प से ही प्रमोटर साइट पे कौन जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा। देखो अपने को बनानी क्या है, आरएनए ही तो बनानी है, मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ही तो बनवाएगा, तो प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है, किसकी हेल्प से, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज मतलब वो आरएनए को बनवा देगा, देखो ये आरएनए उसने बनवा दी, आरएनए पॉलीमरेज ने बनवा,
बनवा दी, ठीक है, पॉलीमरेज ने बनवा दी, ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूड एलॉन्गेशन। देखो ओपनिंग ऑफ हेलिक्स तो सिंपल सी बात है यार, जो डीएनए की जो हेलिक्स है ना, ये वाले बॉन्ड है, ये तो टूटने पड़ेंगे, तभी तो बीच में कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। और कंटिन्यूस एलॉन्गेशन किसकी हो रही है, ये मैसेंजर आरएनए जो बन रही है इसकी कंटिन्यू एलॉन्गेशन होती जा रही है, ठीक है। और जैसे 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 ये काफिला धीरे 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 ये काफिला टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा, तो टर्मिनेटर रीजन क्या है, ऑटोमेटिक उसको है ना, नाम में यार टर्मिनेट मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन को अब बंद करवा देगा, ठीक है, बंद करवा देगा, ठीक है। अब टर्मिनेटर रीजन को कौन पहचानता है, तो रो फैक्टर पहचानता है, रो फैक्टर पहचानता है, ठीक है। अब यहां पे कितने बढ़िया क्वेश्चन बन गए कि प्रमोटर रीजन को कौन पहचानता है, सिग्मा फैक्टर पहचानता है, और जबकि टर्मिनेटर रीजन को रो फैक्टर पहचानता है, और ये प्रोकैरियोट्स में हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से, प्रमोटर रीजन को सिग्मा फैक्टर पहचानेगा और आरएनए पॉलीमरेज को वहां बाइंड करा देगा। अब आरएनए पॉलीमरेज नाम में आ रहा है कि आरएनए की फॉर्मेशन करवाएगी, तो ये ऐसे आरएनए बन जाएगी है ना, मैसेंजर आरएनए अपनी बन गई है। और जैसे जैसे ये काफिला टर्मिनेटर तक पहुंचेगा तो वहां पे कौन काम करेगा, रो फैक्टर पहचान लेगा, भाई टर्मिनेटर रीजन आ गया है, अब ये कार्यक्रम को बंद कर दिया जाए, है ना, ये रिलीज हो गया। देखो ये रिलीज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर पे चिपका हुआ है और ये इधर रिलीज हो चुका है, ठीक है, सिंपल सी बात। ये हमने कहां पे बात की है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में, ये हमने सारी बातें की है। अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी हम प्रोकैरियोट्स की बात ही कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स यानी जो अभी ये प्रोसेस हमने देखी इसी की बात हम कर रहे हैं कि इन बैक्टीरिया मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो क्या है, एक्टिव फॉर्म में ही होती है, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें, देखो ये अपना क्या है, ये अपने यूकैरियोट्स की बात हम कर रहे हैं, ये अपने यूकैरियोट्स की बात करें। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में एक्सोन होते हैं, आधे इंट्रोन, आधे एक्सोन, आधे इंट्रोन होते हैं ना, उसको हेटरोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, हेटरो मतलब ना डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ती है, अगर हमें एक्टिव मैसेंजर आरएनए चाहिए तो उसकी प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ती है, किसमें, यूकैरियोट्स में। जबकि प्रोकैरियोट्स में हमने क्या से देखा कि डायरेक्ट ही बन रही है अपनी, कोई प्रोसेसिंग की जरूरत उसमें नहीं पड़ रही, तो यही बात बोली गई है ना, प्रोकैरियोट्स में क्या है, इंट्रोन एक्सोन वाला सीन नहीं है, और यूकैरियोट्स में आधे इंट्रोन आधे एक्सोन, फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, वो सब आगे देखेंगे हम, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट है ना, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि देखो प्रोकैरियोट्स में क्या है, प्रोकैरियोट्स में मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो न्यूक्लियस मान लो इधर डीएनए पड़ा है, तो न्यूक्लियस के बाहर है ना मेंब्रेन नहीं होती, तो क्या है, साइटोप्लाज्म, और वहां पे थोड़ी वो नहीं है ना, डिमार्केशन नहीं है, तो सारा काम जो है मिलजुल के ही चलता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक दूसरे में घुसी पड़ी रहती है, कौन कहां पे हुई ठीक से पता नहीं चलता है ना, ऐसा होता है कि ये खत्म हुई उससे पहले ही वो स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब घुल मिल के काम है, खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है। बट यूकैरियोट में क्या है, सिस्टम से काम चलता है ना, क्योंकि एडवांस हो गया ना, सिस्टम से थोड़ा काम चलता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे बातें की गई है, देखो पहले हेटरोन्यूक्लियर आरएनए बनती है इसमें, कि जिसमें जिसमें क्या होंगे, एक्सोन भी होंगे और इंट्रोन भी होंगे, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, देखो अपने को इंट्रोन को रिमूव करना है, अपने जो काम के हैं वो सिर्फ एक्सोन हैं, तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम इंट्रोन्स को रिमूव कर देंगे, खाली अपने पास एक्सोन रह जाएंगे, ये अपने पास क्या है, खाली अपने पास एक्सोन रह जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, इसमें हमने इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया है, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रोसेस और होंगी, कौन सी, कैपिंग एंड टेलिंग। देखो जो कैपिंग है वो कहाँ पे होगी, 5' एंड पे, और वो कौन करेगा, देखो कैपिंग होगी 5' एंड पे, और किससे होगी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गई अपनी कैपिंग, और टेलिंग किससे होगी, पॉली एडिनाइल टेल है ना, ये होगी 3' एंड पे, पॉली ए टेल, ठीक है। तो ये हमने देखी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसलेशन की, बात करेंगे ट्रांसलेशन की है ना, ट्रांसलेशन में हमें ट्रांसफर आरएनए को देखना पड़ेगा, ट्रांसफर आरएनए को, तो ये अपना ट्रांसफर आरएनए होता है। अब ट्रांसफर आरएनए में क्या है, देखो अब अपने को क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, अब अपने को प्रोटीन बनाना है, ठीक है। हम मैसेंजर आरएनए बना चुके हैं, देखो ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट क्या, अपने को मैसेंजर आरएनए तो बनानी थी, तो मैसेंजर आरएनए हम बना चुके हैं, चाहे प्रोकैरियोट में देख लो, हम मैसेंजर आरएनए बना चुके हैं, ठीक है। अब देखो इस मैसेंजर आरएनए का, ये अपनी मैसेंजर आरएनए आ गई जिसपे ये कोडोन है, जिसपे ये कोडोन है ना, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। अब ठीक इन कोडोन के एंटी जो है ना, जो इनसे बाइंड करेंगे वो क्या होंगे, एंटी कोडोन होंगे, वो क्या होंगे, देखो ये है कोडोन और इससे बाइंड जो होंगे वो होंगे एंटी कोडोन, तो कोडोन कहां पे होंगे, इस मैसेंजर आरएनए पे, और एंटी कोडोन कहां पे होंगे, इस ट्रांसफर आरएनए पे,
एंटीकोडन कहाँ पे होंगे, इसे ट्रांसफर आरएनए, है ना। और यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखेंगे कि हर ट्रांसफर आरएनए अपने सिर पे बिठा के किसको लाता है, अमीनो एसिड को लाता है, जैसे ये सेरीन को लाया है, और ये वाला ट्रांसफर आरएनए जैसे टायरोसिन को लाया है, ना स्पेसिफिक होते हैं कि ये वाला ट्रांसफर आरएनए इसी को बिठा के लाएगा, ये वाला ट्रांसफर आरएनए इसी को बिठा के लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बातें लिखी गई हैं कि एंटीकोडोन लूप होगा, ये क्या है एंटीकोडोन हमने देख लिया, ठीक है। और क्या है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड हो गया, ना जहां पे अमीनो एसिड लगेगा वो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड हो गया, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ये भी बात हमने कर ली कि ये वाला ट्रांसफर आरएनए इसी को बिठा के लाएगा, ये वाला सिर्फ इसी को बिठा के लाएगा, ठीक है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए दैट इज रेफर टू एज इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए, ये बातें अभी ये प्रोसेस में हम देख लेंगे, इसकी टेंशन मत लो। देयर इज नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडोन, है ना, अभी कोडोन वाला नीचे देखेंगे ना तब बताऊंगा क्यों नहीं है। सिंपल सी बात है यार, कोडोन ही स्टॉप है, मतलब वो किसी के लिए कोड ही नहीं कर रहा, मतलब वो प्रोटीन ही नहीं बनाना चाहता, तो ट्रांसफर आरएनए का तो कोई लेना देना होगा ही नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। क्यों होगा लेना देना, है ना, ट्रांसफर आरएनए तो बेचारा अमीनो एसिड लेके आता है, वो तो प्रोटीन बनवा रहा है, और ये स्टॉप कोडोन मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा, तो उसके लिए क्यों ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पे दो चीजें याद रखनी है आपको कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए कैसी होती है, क्लोवर लीफ होती है, ये आपको याद रखना है, एक इन्वर्टेड एल आपको याद रखना है, क्लोवर लीफ इन्वर्टेड एल जहां भी आ जाए मतलब ट्रांसफर आरएनए से रिलेटेड है, याद रखनी है चीजें, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रोटीन कैसे बन रहा है, ठीक है। देखो ये ट्रांसफर आरएनए ये वाला है ना, जो ये वाला है ये पुराना है, अभी इस पे ध्यान मत दो, आप नए वाले पे ध्यान दो। देखो ये ट्रांसफर आरएनए मान लो इधर से आया, और किसको लेके आया, मैंने बोला था ये अपने सिर पे अमीनो एसिड को बिठा के लाता है, ठीक है। तो ये इस अमीनो एसिड को बिठा के लाया, तो यहां पे क्या होगा, देखो ये इसके क्या थे, एंटीकोडोन थे, ये दूसरे वाले के एंटीकोडोन है, और ये अपनी मैसेंजर आरएनए है जिसके ये कोडोन है ना, ये यहां पे ऐसे बाइंड कर गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पहले से चेन अमीनो एसिड की बनती आ रही है, ये चेन यहां पे बाइंड हो जाएगी, है ना, ये चेन बाइंड हो जाएगी, ये चेन और लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, ये यहां से उड़ जाएगा, है ना, ये वाला ट्रांसफर आरएनए यहां से उड़ जाएगा। अब ये यहां से उड़ जाएगा तो क्या होगा, यहां से ये वाला नया आके यहां लग जाएगा, है ना, और जो चेन यहां पे मान लो यहां पे वो चेन इतनी लंबी हो जाएगी फिर, है ना, इतनी लंबी हो जाएगी ना, इससे ये चेन इस पे आ जाएगी। अब ये चेन इसको नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर देगा ना, ये यहां पे लग जाएगा, फिर वो चेन इस पे लग जाएगी ऐसे, और वो चेन ऐसे लंबी होती जाएगी। और आप एक बात याद करो कि प्रोटीन असल में होता क्या है, प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर ही तो होता है ना, ये चेन बहुत लंबी हो जाएगी तो उसी को तो प्रोटीन बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है, प्रोटीन ऐसे ही तो बनता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में, तीन साइंटिस्ट याद रखने हैं, जॉर्ज गैमो, हरगोबिंद खुराना, मार्शल निरब। देखो सुपर फास्ट तरीके से करते हैं, कोडोन इज ट्रिपलेट, ये तो सबको पता ही होता है। अब स्टॉप कोडोन कौन से, अपने उल्लू आया यानी UAA, उल्लू गया आया यानी UGA, उल्लू आया गया यानी UAG, उल्लू आया गया, सिंपल सी ट्रिक है। देखो टोटल कोडोन्स कितने होते हैं, 64 होते हैं, जिसमें से कोडिंग वाले 61 हैं, तो सिंपल सी बात है, 64 में से 61 कोडिंग हैं, तो स्टॉप कोडोन कितने हो जाएंगे, 64 माइनस 61 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे अपने स्टॉप कोडोन। कौन से हैं, ये वाले हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोडोन इज रीड इन मैसेंजर आरएनए कंटीन्यूअस फैशन, देखो सिंपल सी बात है, देखो ये मैसेंजर आरएनए थी, ऐसे कोडोन देखो लाइन में थे पूरे, कोई भी कोमा कोई भी पंक्चुएशन नहीं थी, और इनको ऐसे लाइन में ही पढ़ा जाता है ना, डायरेक्ट लाइन में थे, देयर इज नो पंक्चुएशन, ठीक है। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, नाम से ही समझ गए कि सबके लिए समान है, इसके जो रूल हैं कोडोन्स के, है ना, जो भी इसमें है वो सबके लिए समान है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन एनसीईआरटी में लिखी गई है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोसोम, ठीक है। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हेंस द कोड इज डीजनरेट, क्या है सम अमीनो एसिड्स, मान लो एक अपना कोडोन है वो किसी, देखो यहां पे समझाता हूं, मान लो एक अपना कोडोन है वो एक्स के लिए बाइंड करता है, ठीक है, और दूसरा अपना कोडोन है वो भी एक्स अमीनो एसिड के लिए ही बाइंड करता है ना, तो ये बात यहां पे अब बोली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है AUG हैज अ ड्यूअल फंक्शन, ड्यूअल फंक्शन है उसके, एक तो इनिशिएटर कोडोन है, एक क्या है वो कोड्स फॉर मिथियोनिन। अब हम देखने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनेगा कि किसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है वो किसने डेवलप की थी, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है अलेक्स ज़ेफ्रिन ने, ठीक है। तो उसने क्या किया था, सैटेलाइट डीएनए का यूज किया था, सैटेलाइट डीएनए में हाई डिग्री ऑफ क्या होती है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होती है। अब ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, उसके लिए मैंने सिंपल सा ये चार्ट है जिससे आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो अपना डीएनए जो है ना, डीएनए उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है बल्क डीएनए, बल्क नाम से ही पता लग रहा है, जो मेन डीएनए है यानी 99.9% होता है,
और एक होता है अपना सैटेलाइट डीएनए जो सिर्फ और सिर्फ 0.1% होता है। अब बल्क डीएनए कोडिंग डीएनए होता है जो अपने प्रोटीन प्रोटीन बनाने में काम आता है, और ये नॉन कोडिंग प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात क्या है कि ये 99.9% जो है ना, जो बल्क डीएनए है, ये ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, ऑलमोस्ट सब में ये सेम होता है। ठीक है, जो फर्क होता है ना, फर्क इंडिविजुअल में, हर इंडिविजुअल में जो फर्क होता है वो कहाँ होता है, वो सैटेलाइट डीएनए में होता है, फर्क होता है। ठीक है, अब सैटेलाइट डीएनए में भी दो पार्ट है अपने, एक तो मिनी मिनी या फिर उसको बोल देंगे VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, दूसरा हो जाएगा माइक्रो या फिर उसको बोल देंगे STR यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट, है ना। VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, STR क्या है, शॉर्ट टैंडम रिपीट। ठीक है, अब नाम से ही पता लग रहा है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रो मतलब ये बहुत ही छोटा है, 1 से 8 बेस पेयर, मिनी क्या है, छोटा है, छोटा है, 10 से 60 बेस पेयर है, बट ये माइक्रो मतलब और भी माइक्रो हो गया, और भी छोटा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डीएनए बल्क होता है जो कि 99.9% है, और सैटेलाइट है 0.1% है ना। सैटेलाइट को आप ये बोल के चलो यही है अपना, VNTR ही सैटेलाइट अपना। ठीक है, सिंपल सी बात है। और हम कर चुके हैं कि सैटेलाइट डीएनए में हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है ना, मतलब देखो बेसिकली ये है कि जो पहचान होगी ना हर इंडिविजुअल की, वो ये है पहचान, वो ये अपना VNTR ही मान के चलो, सैटेलाइट डीएनए बोल लो या फिर, कि ये हर एक में डिफरेंट होता है। तो यही वही बताया गया कि भाई कोई क्राइम सीन से अगर अपने को मिले सैंपल, मिले मान लो ये सैंपल अपने को क्राइम सीन से मिला, ठीक है, अब अपने को ए पे शक है और बी पे शक है। अब देखो बल्क डीएनए तो सबका सेम होगा, बल्क डीएनए तो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, इससे तो पता नहीं चलेगा, तो हम इसमें देख लेते हैं कि कहां पे क्या सिमिलैरिटी आ रही है ना। तो इनमें से अपने को मैच करा के देख लिया, देखो इसमें है ना, इसमें देखो सेम जगह पे आ रहा है, सेम जगह पे, 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 देखो इसके साथ मैच ये नहीं कर रहा, इसके साथ मैच नहीं कर रहा, इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो अपना क्रिमिनल कौन है, इसके साथ क्या मैच हो रहा है, सी के साथ बी मैच हो रहा है। ठीक है, और ये दो इंसानों का सेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसीलिए ना बोलते हैं कि आना समझ गए आप कहाँ पे यूज होगा, है ना, CID VID वो सब, है ना। नेक्स्ट है अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, देखो इसमें याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं, समझने का कुछ नहीं है। कब लॉन्च हुआ था, 1990 में, 13 ईयर प्रोजेक्ट, है ना, और ये US कौन सी कंट्री, US, UK, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, और ये सब याद करने की चीज़ें हैं। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, मेथडोलॉजीज कौन सी यूज हुई थी इसमें, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, देखो ये डायरेक्ट NCERT में लिखा हुआ, कौन सी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन। और ये देखो होस्ट अगर बैक्टीरिया यूज करेंगे तो वैक्टर कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, होस्ट अगर यीस्ट करेंगे तो वेक्टर कौन सा हो जाएगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना, BAC YAC। ठीक है, सिंपल है, अब फिर से वही है यार, ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको हर हाल में याद करनी पड़ेंगी, ये NCERT में लिखी गई हैं, और इसमें समझने का कुछ नहीं है भाई, समझने का कुछ नहीं है, है ना। मोस्ट जीन, सबसे ज्यादा मोस्ट जीन, सबसे ज्यादा जीन किसके पास होते हैं, क्रोमोजोम 1, फ्यूएस्ट सबसे कम किसके पास होते हैं, क्रोमोजोम वाई, है ना। मोर देन 50% जीन का फंक्शन अननोन है, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स, है ना, और ये क्या है, 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स आर सेम इन ऑल पीपल, ये हमने कही थी ना बल्क डीएनए, वो तो है बल्क डीएनए 99.9% सेम होता है। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने होते हैं, 30,000 के पास। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस हैं। एवरेज जीन में कितने बेस होते हैं, 3,000 बेस होते हैं। ह्यूमन जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, इतने इतने मिलियन, 1.4 मिलियन SNPs फाउंड हुए हैं। तो ये सब क्या है, याद करने की चीजें, आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है ना। और इसमें तो भाई ट्रिक भी नहीं लगा सकते, इसमें क्या ट्रिक बनाए, और ट्रिक मान लो इधर उधर से बना भी दी तो वो याद नहीं रहेगी, है ना, उल्टा ट्रिक और याद करनी पड़ेगी, उल्टा डबल मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये याद ही आपको रखना पड़ेगा, और NCERT में है तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं लैक ऑपेरॉन, ठीक है। तो लैक ऑपेरॉन में सबसे पहला क्वेश्चन नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लैक ऑपेरॉन में पॉजिटिव टाइप थी या नेगेटिव टाइप थी, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो याद रखना है लैक ऑपेरॉन में नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन थी, और लैक ऑपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे ना, उनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके लिए जरूरी है, लैक्टोस की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिस्ट, लैक ऑपेरॉन के रिलेटेड आपसे साइंटिस्ट पूछ लिया जाए तो जैकब एंड मोनोड, फ्रांसिस जैकब एंड जेक्स मोनोड। लैक ऑपेरॉन में सबसे पहला पॉइंट, इनको कैसे याद करना है, इनको याद करना है रपोस, रपोस RPOS, R से रिप्रेसर, P से प्रमोटर, O से ऑपरेटर, और ZYA हमारे हो जाएंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो यहां पे हमारे पास बनेगा क्या, रिप्रेसर, रिप्रेसर को मैंने बोला है चोर। अब देखो चोर के आसपास अगर कोई भी पुलिस वाला ना हो तो ये चोर बिल्कुल फ्री है। अब चोर बिल्कुल फ्री है तो ये क्या करेगा, इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, यहां पर बाइंड कर जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा, मतलब यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा।
अब दूसरी कंडीशन देखो, सेम वही रपोस, यहां पे बना रिप्रेसर, रिप्रेसर यानी चोर। पर इस कंडीशन में क्या है, चोर के आसपास एक पुलिस वाला है, इंड्यूसर, इंड्यूसर को मैंने बोला है पुलिस वाला, चोर के आसपास पुलिस वाला है, तो ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा, इस चोर को पकड़ लेगा, तो ये चोर यहां ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ऑपरेटर बिल्कुल फ्री है, और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास हो जाएगी, और यहां पे ये स्ट्रक्चर दिन से एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पेन की मोटाई थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या है, थोड़े से साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं, एक आप दो है इसमें क्या है, एनसीईआरटी से बाहर का भी मैंने बताया है, पर इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है, सबको पता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन है। अब मॉर्गन का जिक्र क्या है, अपनी एनसीईआरटी में अच्छा खासा किया हुआ है, तो इसीलिए अपने को पता होना चाहिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन है। एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, बैटसन है। अब देखो यहां पे बैटसन का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जेनेटिक्स टर्म थी ना, जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दी है, बैटसन ने ही दी है, इसीलिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब नेक्स्ट है जेनेटिक्स जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब आपको पूछना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है। देखो वेरिएशन तो नाम से ही कवर हो रहा है, वेरिएशन मतलब वेरिएशन आ रही है, मतलब है ना आगे से आगे से आगे। मान लो ना कोई दादा दीजिए, उनका बेटा जो आया वो उनसे थोड़ा अलग आया, ना अलग आया, और उनका बच्चा जो आया वो उनसे अलग होगा, हाइट में अलग हो सकता है, कलर में अलग हो सकता है, बहुत सारी चीजों में अलग हो सकता है, तो ये है वेरिएशन। नेक्स्ट है हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी होती है खानदानी। खानदानी का तो मतलब मेरे ख्याल से सभी यहां पर समझते हैं। अब फिर से पूरे पूरे चैप्टर के साइंटिस्ट हमने क्या है यहां पे एक जगह पे निकाल दिए हैं, जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कौन है, अपने मेंडल अंकल है। और पुनेट स्क्वायर किसने दिया था, तो नाम में यार है आरसी पुनेट। और क्या है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सट्टन एंड बोवरी ने। और क्या है मेंडल के काम को रीडिस्कवर किसने किया था, डी वराइज, शे मार्क या टसे मार्क, कुछ भी बोल लो, वैसे टी है ना साइलेंट टी होता है ना, पर है ना अंग्रेजी है तो कुछ भी बोल लो, बस नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कोरेंस, ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट ने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है लिंकेज जो टर्म है वो किसने दी थी। देखो लिंकेज का नाम आते ही आपके दिमाग में एक साइंटिस्ट भागा भागा आना चाहिए, जो कि है थॉमस हंट मॉर्गन, टी एच मॉर्गन, ठीक है। और एक्स बॉडी किसने दी थी, हैनकिंग ने। देखो इसका ऐसे याद रख लेना, एक्स को अगर एक्स ऐसे बनता है ना, तो एक्स को अगर ये इसको सीधा डंडा बना दो तो ये के बन जाएगा, के यानी ये हैनकिंग बन जाएगा, है ना। पता नहीं मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ता है, यहाँ पे आपको पता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक्स है, ये एक्स है, इसको ये डंडा यहाँ पे सीधा बना दो ये वाला, और ये के याद आ जाएगा, यानी हैंकिंग अपने को याद आ जाएगा। नेक्स्ट है अलील किसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल हाइट है ना, हाइट एक करेक्टर है। अब हाइट के लिए जो जीन है ना, हाइट के लिए जो जीन है, या फिर अलील, यहाँ पे अलील की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है देखो, वो डोमिनेंट भी हो सकता है और वो रिसेसिव भी हो सकता है, तो यही बात कर रहे हैं कि यही क्या है जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है, कि वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। नेक्स्ट है फिनोटाइप क्या होता है। देखो फिनोटाइप मतलब जो बाहर से अपने को दिखता है, बाहर से अपने को जैसा दिखता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। और जीनोटाइप क्या होता है, कि अंदर से उसके जीन कैसे है ना, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। फिनोटाइप जो हमें बाहर से दिखता है कि कोई इंसान लंबा है ना, किसी इंसान का कलर कैसा है, गोरा है, काला है, हाइट में कितना है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है वही हेरिडिटी वेरिएशन की हम बात कर चुके हैं। हेरिडिटी यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी वही है ना खानदानी कोई चीज चल रही है। वेरिएशन तो आपको पता ही है, डिफरेंस आ जाएगा है ना, जैसे माँ बाप और उनके बच्चे में फिर क्या है, डिफरेंस आ जाएगा, हाइट में आ सकता है, कलर में आ सकता है, किसी भी चीज में आ सकता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मेंडल जी के वर्किंग ईयर, और ये नीट में अपना क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। मेंडल जी ने कब काम किया था, 1856 से 1863 तक है ना काम किया था, अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, और किस पे किए थे, मटर के ऊपर किए थे ना, मटर के पी प्लांट के ऊपर किए थे। और उन्होंने कैरेक्टर कौन से लिए थे, कैरेक्टर कौन से लिए थे, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, है ना। अब इनको याद करने का क्या तरीका है, देखो फ्लावर के रिलेटेड दो हैं, पोड के रिलेटेड दो हैं, सीड के रिलेटेड दो हैं, और स्टेम के रिलेटेड एक है, ठीक है। अब स्टेम हाइट टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है, टॉल यानी लंबा होगा, ड्वार्फ यानी छोटा हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये डिवीजन है, ये इनकी डिवीजन है। अब डिवीजन से इधर साइड वाले वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इधर साइड वाले रिसेसिव कैरेक्टर है, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। ये है मेंडल ने जो है ना सात कैरेक्टर यहाँ पे वो किए थे, ठीक है। अब क्या है रीजन फॉर मेंडल सर्कल, है ना, कि मेंडल जो इतना सक्सेसफुल होया पाया अपने एक्सपेरिमेंट्स में, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन क्या था कि वो एक टाइम पे एक से दो कैरेक्टर की स्टडी करता था सिर्फ, ठीक है। और क्या है स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड, मतलब क्या है, देखो जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं यहाँ पे तो बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, पर मेंडल है ना, मेंडल ऐसे थ्योरिटिकल काम नहीं करता था, वो मैथमेटिकल काम
काम करता था ना, बहुत सारा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स है ना, इसकी स्टडी करता था, तो इसीलिए क्या है उसका एक्सपेरिमेंट अच्छे हो पाए, थ्योरिटिकल काम उसने नहीं किया था, ठीक है, स्टेटिस्टिकल मतलब मैथमेटिकल काम उसने किया था, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, क्या है पी प्लांट की उसने सिलेक्शन की थी, तो पी प्लांट यानी मटर का पौधा सेलेक्ट उसने किया, ये भी उसकी सक्सेस में क्या है बहुत इजाफा कर देता है, क्यों, क्योंकि मटर के प्लांट की यहां खास बात क्या है कि वो सेल्फ पोलिनेशन करता है, मतलब हम सेल्फिंग कर पाएंगे, और क्या उसमें मल्टीपल ट्रेट्स है ना, मतलब एक टाइम पे हम बहुत सारे कैरेक्टर की क्या है स्टडी कर सकते हैं, और क्या शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब क्या है देखो मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो है ना, आपने क्या कर दी ए और बी के बीच में ब्रीडिंग करा दी, अब इस ब्रीडिंग का रिजल्ट मान लो 2 साल बाद आएगा तो आप 2 साल तक बैठे रहोगे है ना, और मान लो वो फेल हो गया आपका एक्सपेरिमेंट तो आपको है ना दोबारा ब्रीडिंग कराओगे 2 साल फिर बैठे रहोगे, तो क्या है लाइफ साइकिल जो शॉर्ट होनी चाहिए, मान लो आपने एक्सपेरिमेंट कराया ए और बी की है ना, आपने ब्रीडिंग करा दी और 1 महीने में ही इनका रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो आप 1 साल में 12 एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर 1 साल में रिजल्ट आएगा तो आप 1 साल में एक ही एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, तो यही रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेंडल के है ना, देखो मेंडल के यहाँ पे टोटल 3 लॉज अपने को पढ़ने हैं, पहले हम 2 इकट्ठे पढ़ेंगे और 1 बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 इकट्ठे कौन से पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस में क्या होता है, सिंपल सा है, मान लो ये है, ठीक है, अब इसमें से अपने को पता ही है कि ये वाला क्या है डोमिनेंट एलील है, ये वाला रिसेसिव एलील है, और जो डोमिनेंट वाला होता है वो है ना उसी का रिजल्ट क्या है शो होता है ना, वही तो अपने आप को क्या करता है एक्सप्रेस करता है, तो यही बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सेग्रीगेशन वाला तो कुछ नहीं है, सेग्रीगेशन वाला तो सिंपली अपने को सेल डिवीजन में भी समझ में आता है, देखो सेग्रीगेशन क्या है सेल डिवीजन में भी समझ में आता है, इट स्टेट्स दैट अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, मतलब क्या है ब्लेंडिंग नहीं होती है ना, अलग अलग हो जाते, इसकी ये ऐसा लॉ है, ऐसा याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल का ऐसा लॉ बताओ जिसमें एक्सेप्शन होने का चांस नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, तो वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन क्या क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इसमें क्या क्या होता है, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, देखो इनकम्प्लीट यानी है ना कंप्लीट तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया, क्या नहीं एलील नहीं कर पाया, देखो ये अपना पेरेंट है, देखो इसमें क्या है रेड कलर है, मतलब क्या है अगर 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 डोमिनेंट एलील आ गया तो वो रेड कलर अपने को दिखना चाहिए, और रिसेसिव में क्या है व्हाइट कलर है, तो यहां पे क्या है देखो अगर ये प्रोजेनी बनती है तो ये प्रोजेनी में अपने पास अगर डोमिनेंट एलील है तो रेड कलर इसका होना चाहिए था ना, यहां पे क्या है इसका कलर कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो इसमें इनकंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता है, तो रिजल्ट अपने को देखो यहां पे रेड था यहां पे व्हाइट था, और अपने को प्रोजेनी में ना तो रेड दिखाई दिया ना ही व्हाइट दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया है पिंक दिखाई दिया है, मतलब है ना बिल्कुल ही अलग आ गया है, बिल्कुल ही अलग कलर आ गया है ना। अब यहां पे को डोमिनेंस में क्या है, देखो को मतलब होता है साथ में, को मतलब होता है साथ में, मतलब क्या है साथ में क्या है, मान लो इधर रेड कलर का एक पेरेंट था इधर एक ब्लैक कलर का था, तो ना तो रेड डोमिनेट कर पाएगा ना ही ब्लैक पूरे तरीके से डोमिनेट कर पाया, दोनों ने क्या कर लिया आधा आधा, दोनों ने हाफ हाफ कर लिया, आधा इसने डोमिनेट आधा इसने डोमिनेट, को मतलब दोनों साथ में आ चुके हैं है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा यानी 4 o'clock प्लांट, एंटेरिनम मेजस यानी स्नैपड्रैगन। को डोमिनेंस के एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप है ना, किसी का ब्लड ग्रुप है क्या है ए बी है, मतलब ए भी डोमिनेट आधा कर चुका है और बी भी कर चुका है। सिकल सेल एनीमिया एंड कोट कलर इन कैटल। नेक्स्ट हम मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है एक जीन की अल्टरनेटिव कॉपी हमने बात की थी है ना, तो दो ही तो कॉपी होती है इस तरीके से, या फिर हम बात कर लें इस तरीके से, ठीक है। बट अगर अगर 2 से ज्यादा कॉपी हो जाए, ठीक है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव है ना, क्या है 2 से ज्यादा कॉपी हो जाए तो उसी को तो बोलेंगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, मल्टीपल क्या है ना, बहुत सारे है ना, और एलील है ना, जैसे कि हमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है कि ये भी हो सकता है ना आई ए और आई बी और आई बी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो नाम से ही पता लग रहा है पॉली मतलब एक से ज्यादा, जेनिक मतलब जीन, मतलब क्या है एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन जब क्या करें है ना काम करें। देखो सिंपल सा है, यहां पे फंडा बताऊंगा आपको मैं कंफ्यूजन से निकलने का, इसके तो नाम से ही कवर हो रहा है, रबड़ कहां कहीं आ जा। देखो पॉली मतलब एक से ज्यादा, जीन मतलब एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर के लिए कंट्रोल करें, और इसके ऑपोजिट कंडीशन अगर मैं कर दूं कि एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए एक जीन काम करें तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोल देते हैं, प्लियोट्रॉपिक। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ठीक ऑपोजिट कर दो तो प्लियोट्रॉपिक जीन बन जाता है कि एक जीन है और एक से ज्यादा कैरेक्टर है, और यहां पे ज्यादा जीन है और एक ही कैरेक्टर है।
नेक्स्ट देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ पे तीन टाइप से अपने को पढ़नी है ना, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, है ना। ये वाली तो अपने ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन फीमेल होती है और हेट्रोजाइगस मेल होती है, और यहाँ पे भी होमोजाइगस फीमेल है, पर हेट्रोजाइगस में क्या है, यहाँ पे ह्यूमंस में वाई होता है, पर यहाँ कोई भी क्रोमोजोम नहीं है, एक्स ओ मान लो या एक्स जीरो बोल लो, ठीक है। और इसमें क्या है, मजे की बात क्या है, इसमें है क्या कि होमोजाइगस मेल है और अपने अंदर क्या होता है, होमोजाइगस फीमेल होती है, और क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है यहाँ पे, अब फीमेल है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स 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 वाई में ह्यूमंस आ जाएंगे, और एक्स ओ वाले में ग्रास होपर यानी इंसेक्ट वो सब आ जाएंगे अपने, और जेड डब्ल्यू वाले सिस्टम में अपने बर्ड्स आ जाएंगे। अब ये हनी बी की बात करें तो देखो सिंपल सा फ्लो पकड़ना, देखो ओवम था, ठीक है, फीमेल ओवम था, ओवम कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। अब देखो ओवम के साथ दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो क्या है फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगी, या फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है मतलब ओवम को मेल गेमीट नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन हो गई है मतलब मेल गेमीट जो है वो मिल गया है। अब अगर मेल गेमीट ना मिले यानी फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो क्या बन जाता है, पार्थेनोजेनेसिस, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन, है ना, ये वर्ड ही क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा, ड्रोन बोल लो या फिर मेल बोल लो। और ये हैप्लोइड क्यों बना है, तो जाहिर सी बात है अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई है तो ये हैप्लोइड से हैप्लोइड ही बन चुका है, और ये क्या है, ड्रोन जो है अपना प्रोड्यूस अगर मेल है तो ये मेल गेमीट बनाएगा यानी ये फर्टाइल होगा। अब फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो जाहिर सी बात है हो जाती है तो यहां पे स्पर्म आया होगा ना, ये मेल गेमीट आया होगा ना यहां पे, तो ये एक गेमीट दोनों मिलके क्या बना देंगे, डिप्लोइड फीमेल बन जाएगी। अब फीमेल में भी वैरायटी है यहां पे, अगर कोई फीमेल क्या है बी ब्रेड को खाती है, या दूसरा ऑप्शन क्या है, रॉयल जेली को खाती है। अब नाम में ही आ रहा है रॉयल जेली, रॉयल मतलब क्या है, ये रानी बनने वाली है, क्वीन बनने वाली है, और जो बी ब्रेड है ना नॉर्मल सा खाना खाती है वो वर्कर बन जाएगी, काम करेगी, ठीक है। अब वर्कर कैसी होती है, स्टेराइल होती है, मतलब इसका काम बच्चे पैदा करना तो नहीं है, ये सिर्फ काम करेगी, है ना, फूलों पे जाएगी और उनका रस चूस के, है ना, अपने छत्ते तक आएगी। और क्वीन रानी है, इसका काम आराम से बैठे बैठे, इसका एक ही काम है ओवम को प्रोड्यूस करना, है ना, फर्टाइल है, ओवम को प्रोड्यूस करना, और ये ओवम फिर कहां चला जाएगा, ये ओवम फिर ये आ जाएगा और सेम साइकिल चलती रहेगी। और मेल गैमेट कहां आ रहा था, ये अपना मेल गैमेट आ रहा था, ये सारी, है ना, क्या है, कंफ्यूजन यहां पे क्लियर है कि कौन डिप्लॉयड है, कौन हैप्लोइड है, कौन स्टेराइल है, कौन फर्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिंकेज की बात करें तो लिंकेज का नाम आते ही दो चीजें अपने माइंड में आनी चाहिए, मॉर्गन एंड ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने डिस्कवरी की थी किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर डिस्कवरी की थी। ये क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। देखो नॉर्मली होना क्या चाहिए, अब यहां पे मैं आपको बताता हूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। देखो होना क्या चाहिए, सिंपल सी बातें समझो। देखो ये है, मान लो ये डाई हाइब्रिड है अपने पास, अगर इसमें इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट होती है तो कितने टाइप के गेमीट बन सकते हैं, तो चार टाइप के गेमीट बन सकते हैं, कि सारे सेपरेट हो जाएंगे। बट अगर यहां लिंकेज प्रेजेंट है तो लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज नाम से ही पता लगा, लिंक हो चुके हैं, तो सेपरेशन में दिक्कत आएगी, है ना, सेपरेट वो नहीं हो पाएंगे, तो जो गेमीट है वो कम बनेंगे, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको, एक रफ एग्जाम्पल, मान लो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, सर्कल बोलो या बोल बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है, और मान लो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, और इसमें क्या है, लिंकेज जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और मैं आपको बोल दूं इसको तोड़ दीजिए, तो आप यहां से तोड़ दोगे, और ये चार सर्कल अपने को अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ मान लो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि ये चार सर्कल हैं, चार गोले गोले हैं, ठीक है, और वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे मान लो मैं बोल दूं यहां पे लिंकेज प्रेजेंट है, मतलब क्या है, यहां से ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, ये सिर्फ यहां से टूट सकता है, तो ये कैसे टूट जाएगा, मान लो ऐसे टूट जाएगा। तो आपसे पूछ ले कोई कि कितने टाइप के सर्कल बने, तो यहां पे 1, 2, 3, 4 बन रहे हैं, और जहां पे लिंकेज प्रेजेंट है वहां पे सिर्फ 2 टाइप के बने। तो यही है गेमीट वाली फॉर्मेशन, कि जहां पे लिंकेज नहीं होगी वहां पे गेमीट भी ज्यादा बन रहे हैं, और गेमीट ज्यादा बन रहे हैं तो वेरिएशन के चांस ज्यादा है। अब यहां पे आपने गेमीट का नंबर ही कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपके वेरिएशन के चांस भी कम हो पाएंगे, है ना। अब देखो लिंकेज क्या होती है, जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी ना, क्रॉसिंग ओवर जितनी ज्यादा होगी लिंकेज उतनी कम होती है, और जितना ज्यादा जीन्स के बीच में, देखो सिंपल सी बात है,
ये जीन्स हैं ये इतने पास हैं और कुछ दो जीन्स ये हैं इतनी दूर हैं। ठीक है, अब ये पास में हैं तो इनके लिंकेज होने के चांस भी ज्यादा हैं, ये दूर हैं तो लिंकेज होने के यानी इनके जुड़ने के चांस कम हैं। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज का उतना चांस क्या है, कम है ना। और क्रॉसिंग ओवर जितनी ज्यादा है उतना भी लिंकेज का चांस क्या होता है, कम होता है। अब लिंकेज ग्रुप आपसे कोई पूछ ले, लिंकेज ग्रुप आपसे कोई पूछ ले, मान लो 2n इज इक्वल टू 20 है, तो इसमें लिंकेज ग्रुप आपसे कोई पूछ ले तो सिंपल n निकालना है आपको, सिंपल n निकालना है, n कितना आ जाएगा इसमें 10 आ जाएगा। तो लिंकेज ग्रुप आपसे पूछ ले आपको सिर्फ n निकालना है, बात खत्म है। एग्जाम्पल ऑफ है ना, क्या है, एक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं ना, सेक्स लिंकेज जो हीमोफिलिया में होती है, कलर ब्लाइंडनेस में होती है, आई कलर इन ड्रोसोफिला में होती है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके काम आ सकते हैं। देखो एन क्या है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस पेयर कैसे होता है, ये है हेट्रोजाइगस पेयर इस तरीके से। ठीक है, अब नंबर ऑफ है ना क्या है, आपको फिनोटाइप्स काउंट करना होगी कितने बन सकते हैं, तो जितने हेट्रोजाइगस पेयर है, मान लो मान लो मान लो मान लो, देखो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन है ये, तो इसमें हेट्रोजाइगस है ना, इसको और कर लेते हैं, लो आपको और अच्छे से बता देता हूं। अब हेट्रोजाइगस पेयर आपसे बोल दिया जाए तो इसमें हेट्रोजाइगस कौन सा है, यही वाला है, ये तो नहीं है ना, इसमें तो डोमिनेंट डोमिनेंट है दोनों, तो इसमें एक हेट्रोजाइगस पेयर है, इसमें ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, इसमें दो हेट्रोजाइगस पेयर है। तो वही बात की गई है कि अगर ये एन क्या है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर है, फिनोटाइप आपको निकालने हो तो 2 की पावर n, जीनोटाइप निकालने हो 3 की पावर n, टाइप ऑफ गेमीट कितने बनेंगे 2 की पावर n, और पॉसिबल जीनोटाइप देखने हो मल्टीपल एलील के केस में तो ये फॉर्मूला लगा देना है, पॉसिबल फिनोटाइप देखने हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के सारे रेशियो, वो भी एक जगह पे, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो ये वाला है, जीनोटिपिक ये वाला है। देखो सारे लिखे हुए हैं यार, ये देख ही लेना, ठीक है, वही बात है यार, टाइम बहुत कम है तो थोड़ा सा फास्ट तुम्हें भी चलना पड़ेगा, मुझे भी चलना पड़ेगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो और ये जीनोटिपिक रेशियो, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन का डोमिनेंट एपिस्टेसिस, वो ये नोट्स आपके पास सारे हैं, ये एनसीईआरटी स्मैशर के ही नोट्स हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस या फिर सप्लीमेंट्री जीन का ये है, ये कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट का, कोडोमिनेंस का भी वही होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी वही होता है। नेक्स्ट हम म्यूटेशन की बात करने वाले हैं, म्यूटेशन की, देखो म्यूटेशन यहाँ पे दो टाइप की है, एक है पॉइंट म्यूटेशन, एक है फ्रेम शिफ्ट। देखो देखो अगर सिंगल बेस पेयर में, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सिंगल बेस पेयर में बदलाव दिखाई दे तो वो पॉइंट म्यूटेशन होती है, एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। और अगर बेस पेयर का डिलीशन या फिर इंसर्शन हो जाए, है ना, डिलीशन या फिर इंसर्शन, डिलीशन यानी माइनस हो गया, इंसर्शन यानी प्लस हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम पेडिग्री एनालिसिस की बात करने वाले हैं, ये सिंबल है, फिर से वही बात है यार, टाइम की कमी आपके पास भी है और मेरे पास भी है ना, ज्यादा से ज्यादा काम करना है कम समय में हमें, तो ये तो आप नॉर्मली यार देख ही सकते हो ना, आपको पता ही है ये डब्बा है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स मेल हो जाएगा, सर्कल वाला फीमेल हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा देख ही सकते हो ना। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको डोमिनेंट और रिसेसिव इनमें से पहचानने कैसी है, दो ट्रिक बताऊंगा ठीक है, दो ट्रिक मैं क्या बताऊंगा। देखो डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट वाली डिजीज क्या होती है, पहले सिंपल सा समझ लेते हैं। डोमिनेंट वाली डिजीज क्या होती है कि अगर जहां भी डोमिनेंट एलील आ गया, मतलब बीमारी है, डोमिनेंट एलील अब कहां कहां आ सकता है, इस कंडीशन में आ सकता है और क्या है, इस कंडीशन में आ सकता है। और रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव बीमारी कब होगी, कि डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशन में होगी। अब जाहिर सी बात है ये वाली कंडीशन ज्यादा नॉर्मल बनेगी, ये बहुत रेयर बनेगी, ठीक है। अब देखो बीमारियों को पहचानना कैसे है, अब देखो सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना, सिंपल सी ट्रिक। देखो अगर पेरेंट्स में बीमारी नहीं है और आगे वो बीमारी दिखाई दे रही है, मतलब वो रिसेसिव की बात कर रहा है, सिंपल सी ट्रिक है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनो मेरी बात, अगर पेरेंट्स में बीमारी नहीं है, और लॉजिकल भी है ये बात, पेरेंट्स में बीमारी नहीं है और बच्चों में वो दिखाई दे रही है, मतलब वो रिसेसिव की बात करना चाहता है, रिसेसिव। डोमिनेंट में क्या होगा, अगर पेरेंट में बीमारी है तो आगे वो है दिखाई पड़ेगी, बट अगर क्या है डोमिनेंट वाले में, अगर पेरेंट ठीक आ गए, पेरेंट ठीक का क्या मतलब है, यहां पे देखो डोमिनेंट में अगर पेरेंट को बिना बीमारी का होना है तो ऐसा होना पड़ेगा, और ऐसा एक बार हो गए, ये वाला पेरेंट भी, ये वाला पेरेंट भी, मगर अगर देखो, मगर अगर नहीं, अगर आप इसमें क्रॉस कराओगे तो आगे आगे कितना भी क्रॉस करा लो आपके पास डोमिनेंट वाला आ ही नहीं सकता, मतलब बीमारी आगे आ ही नहीं सकती है। तो यही सिंपल सी ट्रिक है इसकी, किसकी 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 पेडिग्री एनालिसिस की। नेक्स्ट हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, एक मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक क्रोमोसोमल, ठीक है। मेंडेलियन में अपने पास कौन से आएंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। और क्रोमोसोमल की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, ए लाइन फेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है ना, मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है, इनमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो उसको मैं डायरेक्ट आपके सामने कवर कर दूं। देखो जो ये टोटल है, जो ये टोटल है मेंडेलियन वाले, इसमें से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन से हैं एंड ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव कौन से हैं, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बार बार कंफ्यूज होता है। तो एक ही बार में इस कंफ्यूजन को खत्म करो कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एंड सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया कौन से हैं, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। पहली कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है इनको बारी बारी से याद करने की ट्रिक हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब इसके लिए अपनी सिंपल सी ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो जो कलर होता है, तो कलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग बोलते हैं, कलर को हम हिंदी में रंग बोलते हैं। अब रंग के आर से अपने को क्या याद आएगा, रेड याद आएगा, और जी से अपने को क्या याद आएगा, ग्रीन याद आएगा। मतलब क्या होता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर रेड और ग्रीन आईज में, जो रेड और ग्रीन कलर के लिए कौन होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है हीमोफिलिया, हीमोफिलिया, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं हीमोफिलिया की, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। देखो इसमें दो वर्ड हैं, एक है हीमो, एक है फिलिया, एक है हीमो, एक है फिलिया। अब हीमो किससे रिलेटेड होता है हमें पता है, देखो हीमोग्लोबिन हमें पता है, ये ब्लड से रिलेटेड होता है। और फिलिया, देखो फिलिया जो होता है ना, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फिलिक, एक होता है फिलिक और एक होता है फोबिक, एक होता है फोबिक। तो फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है प्यार, अट्रैक्शन, है ना। लायोफिलिक, लायोफोबिक, और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, है ना, आपने सुना होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला। अब हीमोफिलिक, हीमोफिलिया, अब ब्लड से प्यार करने वाला, ये क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, ये क्या लव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है हीमोफिलिया, मतलब ब्लड से प्यार करने वाला। अब ब्लड से प्यार कौन करेगा, जाहिर सी बात है जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा वही तो ब्लड से प्यार करेगा, क्योंकि उसके पास खून है, बचता ही नहीं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखो ये कोई इंसान है, ये इसके दो हाथ हैं, ये इसके दो पैर हैं, तो मान लो इसको कोई कट लग जाता है यहाँ पे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जिसका क्लोटिंग मैकेनिज्म अच्छा है, ठीक ठाक है, उसकी ये ब्लीडिंग रुक जाएगी थोड़े टाइम बाद, बट जिसको क्लोटिंग में डिफेक्ट है उसको क्या है, ये खून बहता रहेगा। तो जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट है उसको ब्लड से जाहिर सी बात है प्यार होगा। अब ब्लड से प्यार यानी हीमोफीलिया, मतलब हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लोटिंग डिफेक्ट होता है। सिंपल तरीके से अपनी ट्रिक ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल बातें चल रही है। नेक्स्ट अपना है सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो अपने को याद रखना है वो क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है ग्लूटामिक एसिड की होती है। और कौन करता है ये सब्स्टिट्यूशन करता है वलाइन बोल लो कुछ भी बोल लो, ठीक है। और कहां पे होती है, एट सिक्स्थ पोजीशन किसकी, हीमोग्लोबिन की चेन पे, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है किसकी, ग्लूटामिक एसिड की। और ये सब्स्टिट्यूशन करता कौन है, वलीन करता है कहां पे करता है, सिक्स्थ पोजीशन पे, किसके, हीमोग्लोबिन की चेन पे। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो जी, यहां पे अपने को जी याद रखना है, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, यहां पे अपने को वलीन याद रखना है, और यहां पे अपने को सिक्स्थ पोजीशन याद रखनी है, अपना सारा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब जी से अपने को याद रखना है गौतम गंभीर। देखो एक गौतम गंभीर करके प्लेयर था, ना, बहुत अच्छा, सिंगल लेके बहुत ही स्लो खेलता था, सिंगल लेके। और एक प्लेयर था वीरेंद्र सहवाग। अब वीरेंद्र सहवाग कैसे खेलता था वो सबको मेरे ख्याल से पता है ना, वो सिर्फ चौको छक्को में ही बात करता ना, फोर मारता था और सिक्स मारता था, ठीक है। अब 2020 की टीम थी, तो उस टीम में गौतम गंभीर था, वीरेंद्र सहवाग नहीं था। अब गौतम गंभीर तो सिंगल खेलेगा, और अपने को चाहिए क्या, अपने को छक्के चाहिए, छक्के मारो चौके मारो, ठीक है। अब हुआ क्या, टीम के जो मैनेजर होते हैं, जो भी सिलेक्टर होते हैं, उन्होंने क्या किया, गौतम गंभीर की सब्स्टिट्यूशन कर दी वीरेंद्र सहवाग से, कि भाई ये क्या है, सिक्सेस नहीं मार पा रहा, ये फोर नहीं मार पा रहा, सिक्स नहीं मार पा रहा, तो क्या है, इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दो, कौन ले आओ, वीरेंद्र सहवाग ले आओ। अब वीरेंद्र सहवाग बहुत सारे रन बनाएगा, ठीक है। तो गौतम गंभीर की सब्स्टिट्यूशन हुई किसने की, वीरेंद्र सहवाग ने की, और कहां पे, सिक्स्थ पोजीशन में, मतलब छक्के मारने के लिए, ठीक है। तो किसकी, जी फोर ग्लूटामिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन हुई किसने की, वीरेंद्र सहवाग ने, यानी वलीन ने की, कहां पे, सिक्स्थ पोजीशन पे, हीमोग्लोबिन की चेन में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अपने आप ही सारी चीजें बन चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की। देखो इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, थैलेसीमिया की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक ऑटोमेटिक उससे बन जाएगा, कि हीमोग्लोबिन में चेन होती है ना, कौन सी होती है, अल्फा होती है और बीटा चेन। हीमोग्लोबिन में चेन कम था, कम यानी, है ना, लेस लेस कम था
कम था। अब देखो ट्रिक क्या बनी, अपनी ट्रिक कैसे बनी अपनी, देखो था से अपने को याद आ जाएगा थैलेसीमिया, मतलब ये ट्रिक इसकी है थैलेसीमिया की, है ना, था से याद आ जाएगा थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में होता क्या है वो अपने को याद रखना है इस ट्रिक से। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में चेन कम, हीमोग्लोबिन में चेन कम, मतलब थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है, ठीक है। अब अल्फा चेन में, अल्फा चेन की प्रोडक्शन अगर कम होगी तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, बीटा चेन की प्रोडक्शन कम होगी तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की चेन की प्रोडक्शन कम होती है। अब अल्फा चेन की होगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन की होगी तो बीटा थैलेसीमिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल लॉजिक से करना है, देखो बिल्कुल लॉजिक से करना है। देखो एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, एलानिन, ठीक है। अब बिल्कुल हेल्दी, जो बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ है एकदम, उसमें क्या होना चाहिए, फिनाइल एलानिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। और इसको करता कौन है, एक एंजाइम होता है जो ये प्रोसेस करता है, ठीक है। बिल्कुल हेल्दी पर्सन में क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में किसी एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। अब हम अगर बोल दें कि किसी को कोई बीमारी हो जाए, बीमारी कौन सी, फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, ये एंजाइम जो है ये खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है ना, एक तरीके से इसकी कमी आ जाती है, बनता ही नहीं है, कुछ भी लगा लो, इस एंजाइम की कमी आ जाती है, ठीक है। तो इस एंजाइम की कमी आने से क्या होगा, ये प्रोसेस तो हो नहीं पाएगी, टायरोसिन तो बन नहीं पाएगा, तो क्या बन जाता है फिनाइल पाइरूविक एसिड बन जाता है, तो क्या बन जाता है, फिनाइल पाइरूविक एसिड बन जाता है। और इसी बीमारी को क्या बोलते हैं हम, फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को याद करने की सारी ट्रिक्स देख चुके हैं, अब हमें बात करनी पड़ेगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें बारी बारी से बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम है ना, 21st क्रोमोसोम है, उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। देखो नॉर्मली क्या होता है, हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होती हैं, हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं, बट यहां पे 21st जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी, मतलब उसकी तीन कॉपी हो जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। केलाइन फिल्टर में क्या होता है, देखो नॉर्मली मेल क्या होता है, नॉर्मली मेल कैसा होना चाहिए, ये होता है नॉर्मल मेल एक्स वाई, बट केलाइन फिल्टर में क्या हो जाता है, मेल कैसा हो जाता है, एक्स एक्स वाई हो जाता है, ये हो जाता है मेल। टर्नर सिंड्रोम में बात करें तो नॉर्मल फीमेल जो है वो कैसी होनी चाहिए, एक्स एक्स होनी चाहिए, बट यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, अब्सेंट होता है, तो ये एक्स जीरो, एक्स ओ बोल रहे हैं, फिर एक्स जीरो सही रहेगा, ठीक है, ये होता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर और केलाइन फिल्टर में होता क्या है, देखो ये होती है टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है, फीमेल में होता है, बट इसमें फीमेल के कैरेक्टर थोड़े अब्सेंट होते हैं ना, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम इसमें उड़ चुका है, उसमें फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अब्सेंट होंगे। और केलाइन फिल्टर में बात करें तो होगा किसमें, होगा तो मेल में होगा, बट उसमें मेल के थोड़े गुण कम होते हैं और फीमेलनेस थोड़ी आ जाती है, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और वो सब, ये केलाइन फिल्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।